अगला चैप्टर है आपका जो आज पढ़ने वाले हो, उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है अगले चैप्टर का? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो क्लास को लाइक और शेयर करोगे तभी मजा आता बेटा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आता, बिल्कुल जान लो। ठीक है, आज क्लास नंबर 34 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 34 नंबर क्लास है, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, अब देखो आप लोग समझने की कोशिश करो, हम नए चैप्टर पे चल रहे हैं। ठीक है, आज आपका चैप्टर 4 चलेगा, चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, कोई बता रहा था कि अभी पिछले चैप्टर में कुछ छूटा है ना? ठीक है, देख लेता हूँ। 1.4 नहीं हुआ है, ये 3 चैप्टर खत्म हुआ तो 1 कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, ये कौन से जमाना का अभी कौनो बोल रहा था भाई, 1.4 नहीं हुआ है। ये पागल वागल है का कौनो जो बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है सब हो गया इसके पहले का। अच्छा, वो 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन वाला, वो यहाँ लेंस वाला क्लास में चल नहीं पाएगा, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा वो ऑनलाइन में, और कोई देखेगा नहीं, तुम लोग वैसे भी तमाशा देखते हो, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 2 ही क्वेश्चन है। यहाँ लेंस वगैरह ला करके हम तुम्हें दिखाएंगे भी तो तुम 4 लोग देखोगे, बाकी लोग बात करोगे तो क्या मतलब है। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं, मतलब कि बच्चों सबसे पहले बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण ये होते क्या हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे, किताब में, और फिर पढ़ेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है? आवाज कम तो नहीं है ना? आवाज तो पूरा फुल आ रही ना भाई, कोई रिस्पांस दो तब तो मजा आए। देखो चलो ठीक है, तो ये चर क्या होता है? चर मीन्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता जानते हो? ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ये जेड तक जितने भी लेटर होते हैं ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अंजलि शर्मा, मनोज, प्रियांशु, तनु, शिवम। अब तुम लोग कमेंट करते हो तब तो कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, बोलते नहीं हो, चुपचाप शांत हो जाते हो तो मजा नहीं आती। चलो देखिए साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले समीकरण में अंतर क्या होता है जानते हो? दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें और एक चर वाले में क्या है, एक चर होता है। जैसे देखो समझो, यहां पर जैसे मैंने लिखा 3x + y = 5, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, समझो यहां से, क्योंकि यहां पर एक चर x है, एक y है। लेकिन अगर मैं लिखता कि 3x² या फिर मान लो स्क्वायर ना ही लिखूं, मैंने लिखा 3x + 5 = 0, तो ये एक चर वाला है। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण समझते चलो। देखो इसमें सिर्फ x है, y नहीं है, मतलब एक का चर है, इसमें दो चर है, x भी है और y भी है, समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, भूपेंद्र मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, भारत विश्वकर्मा, ठीक है,
नाभ्या शिवम राजपूत, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके ठीक है। नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश जी, बहुत अच्छे। चलो तो ये आप समझ गए कि नहीं, एक चर दो चर, ये समझ गए? तो बच्चों देखो, अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलें, वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग 9th में हो तो एक्सरसाइज पे चलना चाहिए, पीछे ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है, चैप्टर पे चला जाए। ठीक है आ जाओ, किताब खोल लो, एक्सरसाइज 4.1 आप लोग किताब खोलो, 4.1, तनु ठाकुर, ठीक है समझ गई। क्वेश्चन देखिए किताब में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब दो चर वाला, x और y दोनों के रूप में बनाना है। देखो समझो, एक नोटबुक, यहां पर दो चीज की बात हो रही, पहले यहां समझ लो, नोटबुक मतलब एक कॉपी है और एक कलम है, दोनों समझो। कह रहा नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, किसकी कीमत? नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो किसमें दो से गुणा करोगे पहले ये बताओ सभी, नोटबुक में दो से गुणा करोगे कि कलम में? आगे क्या कह रहा है, इस कथन की पुष्टि के लिए दो चरों वाला का रैखिक समीकरण लिखिए। मान लो कि इसका कीमत x मान लिए, इसका वाई मान लिए। जैसे कहा जाता है कि राम की आयु श्याम से दो गुनी अधिक है, मतलब दो गुनी है, से श्याम से, जिससे बोल रहा उसी में गुणा करोगे। जैसे कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की दो गुनी है, मतलब एक जो नोटबुक है वो खुद कलम के दो गुने के बराबर है, यानी कलम वाले में गुणा करोगे। किसमें गुणा करोगे? कलम वाले में ना, कोई तो नोटबुक में बता रहा है, हाँ कोई नोटबुक में बता रहा है भाई। जैसे कहा जाता है ना, कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो कहा जाए कि वो जो मोटा वाला आदमी है वो चार लोग के बराबर है, क्या कहा जाए कि चार लोग के बराबर है। तो अगर कहो चार लोग के बराबर है तो क्या करोगे भाई? देखो इसको किनारे रख दो, इसको मारो गोली, हटाओ इसको, छोड़ो छोड़ो इसको। देखो जैसे मान लो इधर, अब तुम समझो, बहुत मजेदार तरीका समझो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, बहुत अच्छे समझो, ये एक बहुत ही मोटा सा भयंकर आदमी है, हाँ दिख रहा ना तुम्हें, ये बहुत ही मोटा सा तगड़ा आदमी है, बहुत ही प्यार से समझो समझने वाले, और एक ये पतला सा आदमी है, हाँ ये पतला सा है, दुबला पतला है, और ये इसकी वाइफ भी है साथ में, देखो इसके बाल भी निकाल दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, अब तुम समझना। अब कहा जाए कि ये जो मोटा वाला आदमी है, ये जो मोटा वाला आदमी है, इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है, इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है। तो समझो, यहां ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि ये जो मोटा वाला आदमी है इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है, यानी इनके बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना है, तो दो से गुणा किस में करेंगे? अरे ये मोटकौवा में कर देंगे तो ये और भारी हो जाएगा भाई साहब, इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे ना, समझ रहे हो ना, मोटा वाला आदमी इन दोनों पतर के आदमियों के दोगुने वजन के बराबर है, यानी इनमें दो से गुणा करेंगे, ये चीज अब यहां से समझ लो, बात समझ में आया ना, ये तो पहले ही खतरनाक है मोटा, इसमें थोड़ी गुणा करेंगे। तो वैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दो गुनी है, यानी नोटबुक जो है वो कलम की कीमत की दो गुनी है। भैया सीधी सी बात वैसे है कि कॉपी महंगी मिलती है, कलम सस्ती मिलती है, हाँ प्रायः नॉर्मल तरीके से यही तो होता है,
कॉपी सस्ती मिलती है और कलम महंगी, ऐसा होता नहीं है भैया। देखो कॉपी और किताब महंगी मिलती है, कलम सस्ती मिलती है, तो जो कलम की कीमत है उसकी दोगुनी की बराबर है। चलो इसको लिखो। देखो यहाँ पे कहानी समझाने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझाया जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सिर्फ अगर जल्दी जल्दी हल कर देना हो तो आसान होगा। तो चलो इसको हल करो। पहला क्वेश्चन में लिखो, माना नोटबुक, माना नोटबुक की कीमत बराबर यक्स रुपया तथा कलम की कीमत बराबर वाई रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया, यक्स को वाई के बराबर करना है बेटवा बाबू राजा। चलो कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी के बराबर है, यानी ये नोटबुक है ये कलम है, हाँ तो ए में दो से गुणा करेंगे। यही समीकरण हो गया, यही आंसर हो गया, लेकिन इसको हम समीकरण बनाने के लिए ऐसे करेंगे, ये आंसर हो गया, बस यही करना था। बात समझ में आया ना नाभ्या गुप्ता जी, बहुत बहुत थैंक यू। ज्योति सिंगरौल, सुरजीत, राधिका, प्रियांशु, कुछ समझ में आया लिख लो। देखो ये सब बहुत ही समझने वाली चीज है, समझ के चलो बेहतर रहेगा, ठीक है, छाप लो आगे बढ़ें। ये आपका था एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। जल्दी से बोलो आया समझ में, यस भाई? देखो तुम यस या नो कुछ ना कुछ बोलते रहो, हूँ हाँ तभी मज़ा आता है, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं करा है बच्चा तो लाइक जरूर करो बाबू। देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें आप समझते चलो। एक चीज़ और भी समझ लो, देखो आप लोग क्लास को अगर पूरा देखोगे तभी मज़ा आने वाला है, अगर क्लास को पूरा नहीं देखोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए क्लास को जब भी देखो पूरा देखो, किसी की क्लास देखो, कहीं से भी पढ़ो, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, मैं नहीं कहता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर तुम पूरा टाइम नहीं पढ़ोगे भाई तो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? आप किसी की क्लास में जाओगे 10 मिनट देख के 5 मिनट देख के भाग जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चा एनसीईआरटी किताब लिए हो ना भैया? एनसीईआरटी किताब लिए हो ना बाबू? चलो पहला क्वेश्चन देखो, लिए हो तो 2x प्लस 3y और बराबर ये है 9.35। भैया 5 के ऊपर बार भी लगा है। देखिए एक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसे उसी रूप में लिखना है, समझ रहे हो ना? मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा चमक रहा है, काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैंने सोचा चमकने दो। हाँ ऐसा मुझे लग रहा है चमक रहा है। चलो देखो अब समझो यहाँ से आप लोग, सही है ना? मज़ा आ रहा ना भाई? मजा आ रही ना? देखो कह रहा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इसके रूप में व्यक्त करने का ये मतलब है कि पहले x वाला पद रहेगा, फिर y वाला रहेगा, फिर जो अचर पद है वो रहेगा, तब बराबर करके 0 करा जाएगा।
तो चलो ठीक है, लिख लो यहाँ पर उपरोक्त समीकरण को। क्लास डेली शाम को 7 बजे गणित होती है, दोपहर 3 बजे से साइंस होता है, आज साइंस की जगह पर भी मैथ चल रही है। ठीक है, चलो पहले कुछ ये लिख लो, मानक रूप या फिर इसे वो भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के रूप में व्यक्त करने पर। तो चलो कर लो भाई, ए एक्स मतलब 2x, बी वाई मतलब 3y, प्लस सी, सी का मतलब ये जो है चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, जरूरी नहीं कि प्लस में ही रहेगा, मतलब ये बराबर के इधर आ जाए बस, तो ये बराबर के इधर आएगा, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल जीरो, बस हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ से अगर मान निकालेंगे भैया x का तो क्या होगा, x का तो नहीं निकालना है, a का निकालना है, a का गुणांक क्या है यहाँ पर, b का और c का, सब निकालना है। ठीक है, तो मान निकाल लोगे कि नहीं भाई, a का मान b का और c का 3 पूछा था, तो चलो यहाँ से निकाल लो, a का जगह पे यहाँ पे देखो 2 है, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान माइनस में 9.35 हो जाएगा, 5 के ऊपर बार होगा। गीता जितेंद्र नहीं समझ में आया क्या, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखो। ठीक है, अंजलि शर्मा, मनोज, साइंस का क्लास का टाइम डेली शाम को 3 बजे, साइंस का क्लास हर दिन शाम 3 बजे, जल्दी लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया टाइम ओवर। और जो चुपचाप देख रहा है भाई, क्लास को लाइक नहीं किया बाबू, देखो लाइक करो क्लास को, ऐसे मजा नहीं आ रही, लिख लिए हो तो आगे बढ़े। आगे चलें, लिख लिए हो ना, क्लास को सभी लाइक करो एक एक। सूरज यादव ठीक है, अच्छा है, चलिए तो ये हो गया आपका। इसी तरह से इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से तो बहुत सारे इक्वेशन दिए गए हैं, सबको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनके वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जैसे एक थी बताया वैसे, और कैसे, चलो दूसरे वाले में आ जाओ, एक्स माइनस वाई बाई फाइव, एक्स माइनस वाई बाई फाइव ऐसे है का, हाँ माइनस 10 बराबर 0, इसमें भी कह रहा कुछ ऐसे ही करने को, कौन कौन कर लेगा भाई। चलो इसकी भी कंपेयर करो फटाफट, पेन तो बहुत सारी है यहाँ पर, सब इसी में खो गई। इसको भी क्या करेंगे, मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, मानक रूप क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो होता है, ये आपका एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, एक चर राशि वाला, सॉरी दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। तो इसके रूप में लिखने का मतलब यही है, ये वैसे पहले से भी लिखा गया था, यानी ए एक्स का मान होना चाहिए बी वाई का और सी का मान होना चाहिए, सब बराबर के पहले ही होने चाहिए, बराबर सी जी मतलब जीरो होना चाहिए बस, ये चिन्ह नहीं बदलेगा। नहीं तो कुछ लोग सोचें कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कर देंगे, नहीं
ये इसके रूप का हो गया, ठीक है। यहाँ आगे लिख लो, से तुलना करने पर लिख लो डायरेक्ट, बस तुलना करने पर। तो भैया ए एक्स का अगर आप यक्स के बराबर करोगे तो यहाँ पर ए का मान क्या आएगा जानते हो? सोच के बताओ क्या आएगा, सभी लोग जल्दी बताओ कंपेयर करके। देखो भाई, अगर ए एक्स को तुम यक्स के बराबर करोगे तो यहाँ से ए का मान आएगा वन, वही प्रक्रिया यहाँ भी करोगे। अगर वी का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आप देखो एक बटा पाँच आएगा इसका जो भी गुणांक है साथ में, और माइनस में आएगा। माइनस वन अपान फाइव। और अगर सी की बात करें तो सी क्या आएगा? माइनस दस आएगा। बात समझ में आया ना? कोई जीरो बता रहा, देखो बट्टा जीरो नहीं होता कोई भी, कोई भी इसमें जीरो नहीं आएगा। सी जीरो कैसे आएगा? दस दिया नहीं है, सी की जगह पे तो दस दिया है ना पहले से ऑलरेडी। भारत विश्वकर्मा, ठीक है एक बार फिर से ट्राई कर लो, सी जीरो कैसे आएगा बेटा अगर दस दिया है तो। चलो ठीक है, हो गया आपका सेकंड। सभी चिन्ह वही रहेंगे जो इसमें लगे हुए हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, सब सही है बिल्कुल। ये सी के माइनस में दस आएगा, ये माइनस में एक बटा पाँच आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो जल्दी करो फटाफट। हो गया राधिका, आया समझ में? गोपी चंद, आया समझ में? मिटा दें, अगले पार्ट पे चलें। यही प्रक्रिया सब में करोगे, हर क्वेश्चन में यही प्रक्रिया होगा। गीता जितेंद्र बोल रहे हैं वन क्यों आया, वन क्यों आया, देखो वन क्यों आया, देख लो अब देख इन लोग काहे को आया। यहाँ देखो ये ए एक्स है और ये यक्स है, इन दोनों की कंपेयर करने का ये मतलब है कि इन दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब ए एक्स को यक्स के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझो अब इतना, बस ये इतना समझो इतना में। यहाँ से जब ए का मान निकालोगे तो यक्स इधर पहले से है, दूसरा वाला यक्स इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ए बराबर आएगा एक बटा एक। तो ए का मान यहाँ से वन आएगा, देखो तुम्हें ना दिख रहा होगा नीचे, ये वन अपान वन हल करोगे तो वन आएगा, समझ में आया ना? इसी तरह से ए का मान वन आया था, इतना पूरा घेरा हूँ गोला में उसी में कर रहा हूँ। हाँ तो इस तरह से यहाँ पर जो ए का मान अभी वन लिखा था मैं, इसीलिए आया था, ये आया है। इसी तरह से जैसे इसको कंपेयर करा हूँ ऐसे इसको भी करोगे बच्चा, ये बी वाई बराबर ये वाई बटा पाँच करोगे माइनस में, इनको हल करोगे जैसे मैंने उसको किया है, तो यहाँ से तुम्हें बी का मान मिलेगा माइनस वन अपान फाइव। बात समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो लिख लो। तो इस तरह से होता है, अगर आप ध्यान दोगे स्टार्टिंग से तब समझ में आएगा, बीच कुछ से समझ में नहीं आता है कि आके फाट पड़े कहीं से तो आ जाएगा, समझना पड़ता है, ठीक है। सबको आया समझ में? इस तरह से सभी कर लोगे कि नहीं अब? हाँ कर लोगे ना? चलो ठीक है, ओके। अब क्या बचा है फिर?
अच्छा, अब तुम लोग बताओगे मुझे। इसका तीसरा पार्ट देखो, -2x + 3y बराबर 6। चलो इसमें कंपेयर करके मुझे एक मान बताओ कोई। राहुल कुमार बताओ, आप ही बताओ। गोपी चंद, अंजलि, राधिका, तनु, शिवम, गीता, बताइए सभी। इसमें मुझे ए बी सी का मान बताओ जल्दी से। हर कोई बताएगा, जैसे मैं 2-3 बताया हूँ वैसे तुम्हें करना है। चलो करो, चलो फटाफट करो। ए बी और सी का मान बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट बताओ ए बी और सी का मान। अभी ये बार बार छोड़ का है रहा है, टिक टिक। रोहित विश्वकर्मा ने सबसे पहले बताया है, ए का मान -2, बी का मान 3, सी का मान 6। देखो सही तरीके में बताओ तब समझ में आएगा, और मैं चल रहा हूँ, हील डोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, मुझे लग रहा है इधर कैमरा थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, हाँ, क्योंकि दिखता नहीं है, या फिर इसे थोड़ा और उधर लिखना चाहिए। ठीक है, जो भी बताया है ठीक है। देखो समझो, मैं बता रहा हूँ कैसे करा जाता है। देखो भैया, इसकी जो मानक रूप होता है AxBy + C = 0 से कंपेयर होती है, तो AX की जगह पर इसमें क्या है, देखो -2x है, BY की जगह पे 3y है, और C की जगह पर अचर पद 6 है। तो कंपेयर करने का मतलब होता सीधा सीधा बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान आएगा -2 और B का मान आएगा 3 और C का मान आएगा, ये आंसर होता है, क्योंकि ये कंपेयर करने का मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाता है। आगे चले, यक्स बराबर 2y, 3y है, इसमें मुझे सारे मान बताओ। इसमें मुझे सारे मान बताओ निकाल के, देखिए कौन कौन बता रहा है। चलिए बताइए, जल्दी करिए। x = 3y, इसमें सारे वैल्यू बताइए आप। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गौरव सिंह, सभी बच्चे क्लास को लाइक करते जाओ बाबू। देखो ऐसे मजा नहीं आती, अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। क्लास को फटाफट लाइक करते जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो एक पैसे का भी। सी का -6 होगा गौरव सिंह बेटा, देखो यहाँ पे, हाँ इसमें वाले में ना, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में होगा, ये माइनस तो होगा ही, इसमें -6 होगा। ठीक है, सरवन कुमार, बी का -3 होगा, सी का 0 होगा। जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसे 5 घंटा तुम बताओगे तो हो गया ना, तो हम सुन ही पाएंगे ना तुम बता ही पाओगे। जाओ जानो, छोड़ो, जाने दो। पहले इनको हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो यक्स -3y = 0 बचेगा। इसका मानक रूप होता है AX / BY / C = 0 होता है भाई साहब। अबे ये तो एकदम गंदा कर दिया। अब देखो यहाँ से समझो, तो AX / BY / C = 0 होता है। यहाँ से ये समझो कि यक्स वाला पद तो इसमें है, वाई वाला भी है, लेकिन सी वाला इसमें कोई पद है ही नहीं, हाँ। तो ए एक्स से यक्स को कंपेयर करोगे बेटा, तो ए का मान 1 हो जाएगा,
पी वाई से तीन वाई के कंपेयर करोगे तो इसका मान माइनस तीन हो जाएगा, माइनस में है, और सी का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी का मान कुछ है नहीं उसमें। बहुत ध्यान से जो समझ रहा उसे समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं समझ रहा उसे समझ में आएगा भी नहीं इतना आसानी से। जो क्लास को शुरू से देख रहा है वो पक्का समझ रहा होगा, है ना, और जो शुरू से नहीं देख रहा, ढंग से नहीं पढ़ रहा है, फिर वो जाने उसका काम जाने, हम नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने लोग को ये नहीं समझ में आया, कैसे आया है? जिसको नहीं आया वो नो लिख के कमेंट करे, एन ओ नो। जिसको ना आया वो एन ओ नो लिख के कमेंट करे कि हाँ मुझे नहीं आया, मैं जानू कि हाँ किसको किसको ना आया। जल्दी बताओ, कोई है ऐसा जिसको ना आया हो? सबको आ गया ना भैया? या तो वो अभी अभी आया होगा या फिर ना पढ़ने वाला होगा, ऐसे ही कुछ है। तो एकाध जो इसमें खच्चर टाइप के हैं मैं बता देता हूँ फिर से, जितने गधे हैं वो फिर से सुन लें। गधों ध्यान दो, गधों ध्यान दो, गधों ध्यान दो, फिर से सुनो, इधर सुनो। देखो ए का मान वन कैसे आता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, इधर खोपड़ी कर लो। जो इसका मेन समीकरण है ये ए है ना, यक्स माइनस तीन वाई, इसमें यक्स वाले से इसके यक्स वाले पद की तुलना करते हैं, समझो चाचा, इधर समझो। तो यक्स वाला पद की तुलना ए यक्स वाले से करेंगे, ठीक है? तो ए यक्स बराबर क्या होगा, यक्स, समझ रहे हो? ये ए यक्स सूत्र वाला है और ये जो मेन क्वेश्चन वाला यक्स है, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो यहां से ए का मान निकालते हैं तो ये x ऐसे जैसे रहता वैसे लिख जाता है और ये x इधर भाग में हो जाता है। अब इतना तो तुम जनबे करते हो, इतना बड़ा खच्चर तो हो नहीं नबे, हाँ। इस तरह से a कमान वन आता है, समझ में आया? इस तरह से a कमान वन आता है, यहाँ पे जो आया है मत कहना कैसे आया। इसी तरह से बच्चा दूसरे वाले को करोगे b वाला मान निकालने के लिए, और फिर इसी तरह से सी वाला मान निकालने के लिए भी तुम करोगे, तो तरीका वही है सब में। अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, बी वाई को बराबर करोगे माइनस तीन वाई के, समझ लो। यहाँ से नहीं समझ में आया तो आपकी लपड़े लपड़ मारेंगे, जान लो, काने कहीं हवा निकल जाए। फिर अगर बोला कि ना समझ में आया, देख लो इधर, अब यहाँ से क्या करोगे, बी का मान निकालोगे तो ये माइनस का तीन वाई वैसे लिखा रहेगा और ये वाई इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा ऐसे, समझ में आया? अब ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बी का मान माइनस तीन आएगा। ये माइनस तीन लिखा था, कुछ सोना चांदी दूसरा नहीं लिखा था, समझ में आया? और सी का मान जीरो आया है क्योंकि ये है नहीं सी कहीं, ठीक है? ये तो यहाँ वैसे लिखा था, सूत्र में था, सी का कोई था नहीं इसमें, आगे पीछे, हाँ आगे नाथ ना पीछे पगहा वाले थे ये, इनके कोई नहीं था इसलिए जीरो था। क्योंकि देखो सूत्र वाले में तो सी है लेकिन मेन जो इक्वेशन है इसमें सी का कोई मान है नहीं, इसलिए जीरो आया। ये तरीका होता निकालने का, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सीख गए होगे, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कोई सिखा भी नहीं पाएगा कभी लाइफ में, समझ रहे हो ना? पढ़ना चाहते हो तो तुम सीख गए होगे, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई सिखा भी नहीं पाएगा। चलो विनोद पाल, आया समझ में? तो मैंने इसको लीप पोत दिया, चलो ठीक है, हो गया। अब इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा इक्वेशन कर लो तो अच्छा है, मैं क्या बताऊं एक एक इसमें, सभी कर लोगे ना भैया? किताब का जितना है सब कर लोगे ना, चैप्टर चार में पहला एक क्वेश्चन में, कि ना कर पाओगे अभी भी? हाँ सभी कर लोगे ना बचा हुआ?
देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी हर एक एक्टिविटी सिर्फ पढ़ाई पे होगी, तो वो थोड़ा समझाने पे भी समझ जाते हैं। कुछ ऐसे नालायक होते हैं गधे टाइप के, उनका दिमाग पढ़ने में होता ही नहीं है, वो कुछ और करते रहते हैं, कहीं चैटिंग कर रहे हैं, कहीं दूसरे का मैसेज देख रहे हैं, कहीं दूसरे के डीपी देख रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, बस उनका वीडियो चल रहा है, बस उनसे इतना मतलब है। तो फिर उनको समझाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तीन अक्ष धन दो बराबर जीरो, इसमें जो बता देगा हम जान लेंगे वो पढ़ रहा है। चलो चचा इसमें तीनों का मान बता दो तो एबीसी का, जल्दी बताओ ए बी सी तीनों का मान बताओ इसमें जल्दी से, तो मैं देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। जल्दी करिए, देर मत करिए, तुरंत बताइए। कंपेयर करना है बेटा इनको, सामान्य समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चा। चलो जल्दी लगे रहो फटाफट, देखते हैं कितना स्पीड में बता रहे हो तुम। चलो सबसे पहला कौन खिलाड़ी आया है मैं देख रहा हूँ, जल्दी बता दो बेटा कंपेयर करके इनसे। ए बी और सी तीनों मान बताने हैं। रोशन कुमार सबसे आगे निकल गए हैं, इनका ए का मान तीन आ गया है, बी का मान दो आ गया है, सी का मान जीरो आ गया है। रोशन कुमार के जस्ट पीछे लगे हैं रोहित विश्वकर्मा, इनका भी आया है, मनोज का भी आ गया, राधिका, मोहम्मद, तारिक, गोपी चंद, नीरज, गौरव, विनोद, राहुल और शिवम, बाकी के एकदम नालायक है, महा नालायक है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम लोग पीछे हो गए तो हो गए, अब तुम बताओ चाहे ना बताओ। हाँ भाई तुमको कोई बारात का न्योता दिया है तुम्हारा दोस्त, अब दुलाइन लेके लौट आया तो तुम अगले दिन बाराती जाओगे तो कहाँ दूसरी जगह बारात ले जाएगा, कहाँ टाइम खत्म हो गया ना, तो बस वैसे यहाँ पे था, टाइम ओवर हो गया। तो ए का मान तीन आएगा, बी का मान भैया बी बी का कोई है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे देखो यक्स वाला पद है, वाई वाला पद है नहीं, इसलिए वाई वाला पद नहीं है तो बी का मान जीरो। हमेशा सी जीरो होता था, आपकी देखो इसके चचा यहाँ बैठे हैं, अचर पद जिसके साथ कोई भी एक्स वाई ना हो वो सी का मान होता है, दो है। समझ में आया, आया समझ में ना भैया विपिन पटेल। देखो एक चीज और समझो, अच्छा ये बताओ हो अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते तो क्या बदलता उत्तर में, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, आप बताओ इसमें क्या बदलाव हुआ आंसर में, कहीं कुछ बदलता क्या, बताइए जल्दी बताइए। शाम को 7 बजे फिर से गणित की क्लास चलेगी, कक्षा 9 वाले बच्चे कान खोल के सुन लो, शाम को 7 बजे से गणित की क्लास का टाइम है, रोज चलता है 7 बजे, ये तो 3 बजे आज मैं वैसे फोकट में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस की क्लास का टाइम था, साइंस की क्लास नहीं चल सकी तो मैंने सोचा चलो मैथ ही पढ़ा देते हैं। क्या बदलेगा, गोपी चंद कह रहा माइनस दो हो जाएगा, तुम लोग बहुत खच्चर टाइप के हो, सी का मान बदल जाएगा ये बोलो, ठीक है माइनस दो जो बोल रहा है ना सब गलत है, सी का मान बदल जाएगा, सी का मान माइनस दो हो जाएगा, बस यही बदलेगा बाकी कुछ ना बदलेगा, ठीक है समझ गए ना। पहले मुझे बताओ कौन इसमें नया आया आज पहली क्लास में, जो इसके पहले की क्लास में ना जुड़ा रहा हो, कोई ऐसा शैतान हाजिर है यहाँ जो नया नया हो, दो एक्स बराबर माइनस पांच भाई, दो एक्स बराबर माइनस पांच भाई, रुके रहो लिखने दो, दो यक्स बराबर माइनस पांच वाई। चलो बेटा इसमें बता दो तो यक्स वाई दिया है, ए बी और सी का मान बताओ, ए बी और सी का मान बताओ इसमें से कंपेयर करके,
जल्दी बताइए, हर एक बच्चा बच्ची बताएगा, पढ़ने वाला जो है, हाँ, जिनको टॉप करना है, बोर्ड एग्जाम में नाम करना है, अपने माँ बाप का, घर परिवार का, देश विदेश का, वही बताएगा। चलो जल्दी बताओ, जिसका कोई नाम ही नहीं है उसका क्या नाम लिया जाए? हाँ बेटा, नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है, समझ रहे हो ना लल्लू? तुम फीलिंग वाले वीडियो डालते डालते तुम खुद फीलिंग बन जाओगे और तुम्हें कोई समझेगा नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, यहाँ से कंपेयर करके बताना था। इसमें सबसे पहले गोपी चंद ने बताया, मुझे लग रहा है भाई गौरव सिंह बताए थे, ए का दो, बी का पाँच, अच्छा चच्चा, सी का जीरो, ठीक है। गौरव सिंह, गोपी चंद, मनोज, तनु, रोहित, रोशन, शिवम, प्रियांशु, राधिका, नीरज, अंजलि, भारत, विनोद, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कह रहा है कि बी का मान निकाल दीजिएगा प्लीज। अरे चच्चा लोग, इसको निकाल ना पाओगे तुम लोग, ये समीकरण सीधा सीधा कर लो तो 2x धन 5y बराबर जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस 5y है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया सीधा सीधा। ax का मान दिया है, by का मान दिया है, c का मान दिया ही नहीं है, तो c का जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर तुम ax को 2x के बराबर करोगे तो a का मान 2 आएगा, अगर बट्टा 2, अरे उसको तो हटाओ, 5y को by के बराबर करोगे, 5y को by के बराबर करोगे तो b का मान 5 आएगा, बस हो गया, c का कोई नहीं है तो जीरो, c का कुछ नहीं है तो शून्य हो गया। बात समझ में आया ना सबको? तो फिर आज का क्लास खत्म किया जाए, 4 बज गया है। प्रत्येक शाम 3 बजे से 4 बजे तक आप कक्षा 9 का साइंस पढ़ते हैं और आज साइंस की जगह पर मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है। सातवां बताने को बोल रहा है कोई भाई, सातवां सबसे बड़ा खतरनाक है। हाँ रोहित, नहीं कर पाओगे सातवां, वाई माइनस 2 बराबर जीरो, अरे ये सातवां वाई माइनस 2 बराबर जीरो, चलो बताओ तुम लोग तो, कितना आसान है, कितना आसान है, जल्दी बताओ तो, इसका बताओ तुम लोग तो भाई, इसको तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैरान है, चलो जल्दी बताओ। इसमें देखो ए का मान दिया नहीं है, बी का मान, सी का मान, बी की जगह पे वाई है अकेले, सी की जगह पे 2 है, ए का मान नहीं है, बस और क्या भाई साहब, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर करोगे, ए का कोई मान है नहीं तो ए का मान जीरो हो जाएगा। डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता रहता है यार बार बार, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है ये आराम खोर कहीं का। देखो इधर, बी वाई को वाई के बराबर करोगे तो मैं करके देख लो, ये लो बी का मान निकालो, 1 आएगा, सी का मान देखो माइनस 2 दिया है पहले से, ये पता नहीं क्यों बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है, 2 सेकंड फिर कनेक्ट हो जाता है। अब मुझे इसको कुछ बोलने का मन करता है इस वजह से। चलो ठीक है, फिर हो गया, कोई परेशानी किसी को, कोई प्रकार की आफत नहीं ना, तो लिख लो, ये आपका 4.1 चैप्टर भी ख़त्म हो गया भाई, एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, 4.1 ख़त्म हो गया। आप लोग अगर NCERT किताब लिए हैं तो किताब में पेज नंबर 82 खोल लो, पेज नंबर 82,
कह रहा कि समीकरण x प्लस टू वाई इक्वल सिक्स के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, देखने पर x बराबर दो वाई बराबर दो एक हल है, क्योंकि x बराबर दो वाई बराबर दो पर यह समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है ना। आइए अब हम x बराबर जीरो पर लें, x के इस मान के लिए दिया हुआ समीकरण दो वाई बराबर छः हो जाता है, जिसका एक अद्वितीय हल है, y बराबर तीन होता है, अतः x बराबर जीरो वाई बराबर तीन भी इसका एक हल होगा। इसी तरह से कह रहा है और आगे, वैसे मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ध्यान देना, हाँ करके दिखाऊंगा तब समझना। देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको x का कोई मान रखना है, y का कोई मान रखना है। अगर हम थोड़ा और पीछे चलें तो आपने समीकरण और सर्वसमिका पढ़ा है ना, समीकरण एक किसी निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, लेकिन सर्वसमिका x के किसी भी मान के लिए क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो आप लोग क्या कहते हो, उसमें चला जाए क्या? नहीं ना, इसी में चले ना, आगे बढ़े, पहले इसको लिख लो तो फिर आगे चलते हैं। लिखो, लिखो फटाफट, चलो लिख लिए, चलो यहाँ पर लिखो। इसका क्या करना है कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, अलग अलग मान निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम मानते हैं, माना x बराबर जीरो, अगर इसमें x बराबर जीरो मानोगे y का कोई मान आएगा, इस पे जीरो हो गया तो 2y बराबर 6, तो यहाँ से y बराबर निकालोगे 6 बटा 2, y का मान क्या आया 3, यानी y का एक मान आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के एक मान जो है x बराबर जीरो और y बराबर 3 आया। ये क्या है, इस समीकरण का एक हल है, क्या है, एक हल है ना, हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी में, समझ रहे हो ना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो इसे। और हाँ, इस क्लास को लाइक भी करो, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे मज़ा नहीं आती, जान लो, और जिनको सीखना है वो क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। अंकित सिंह, समझ में आएगा, टाइम दोगे तब तुरंत जुड़ोगे, एक मिनट में सोचो कि सब ले लें तो एक मिनट में कुछ ना मिलेगा, टाइम दो आएगा, ठीक है, समय देना पड़ेगा, आएगा। अब देखो इसके और भी मान हो सकते हैं, कैसे, ये तो एक हल हो गया, चाहे तो इसको लिख लो, नहीं तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ये एक हल हो गया, पहला हल हो गया इसका समीकरण का। दूसरा हल देखो, x बराबर दो रखने पर, चलो x का मान दो रखो इसमें, यहाँ पे दो हो गया प्लस 2y इक्वल सिक्स, तो भैया हो ये आपका 2y इक्वल हो जाएगा कितना, 6 माइनस 2, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, y का मान क्या आएगा, 2, यानी हम कह सकते हैं इसका एक हल हो गया, x बराबर 2 तो y बराबर भी 2 आया। हाँ आप कह सकते हो ये x बराबर 2 और y बराबर 2 भी इसका क्या है, एक हल है। इस तरह से आप इसके अनंत हल कर सकते हो कि नहीं, और भी करके देख लो, ऐसे करते रहो फटाफट, समझ रहे हो ना, नॉलेज वर्ड कहीं और देख लो, हाँ आप कहीं और देख लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी वाला क्लास नहीं है, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है ना, जल्दी ख़त्म थोड़ी करना है, ख़त्म कर दो बस। चलो आगे देखो, ये इसको लिख लो, दो हल हो गए, अब मैं इसको मिटाऊंगा तो फिर आगे बताऊंगा। मिटाऊं, हो गया दो हल हो गए, कितने हल निकालने हैं, कह रहा था अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, तो आप इनके अलग अलग चार छः हल ऐसे निकाल सकते हो, निकालते रहो। देखो यहाँ से आपको एक नॉलेज होगा, वो क्या है पता है, वैसे तो अगर हम गहराई से बेसिक
पढ़ाते तो आपको क्लियर करते कि किसी समीकरण के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे आ गए हैं तो हमें पहले तो क्वेश्चन ही, यार ये 2 सेकंड के लिए छोड़ देता है पता नहीं क्यों, और फिर पकड़ लेता है। अच्छा चलो यक्स बराबर तो हो गया, वाई बराबर 0 लेने पर मान ज्ञात करो। वाई बराबर 0 लेकर के मान निकाल के मुझे बताओ सभी, चलो फटाफट बताओ वाई बराबर 0 करने पर। सभी बच्चे करो वाई बराबर 0 करने पर मान बताओ। चलो y बराबर 0 करने पर मान ज्ञात करो। सूरज यादव, रामेंद्र, विशाल और कोई एके, ठीक है एनीवन, चलो जल्दी जल्दी बताओ। x बराबर 0 भी हमने ले लिया, हाँ y बराबर भी 0 ले लो, मतलब इसके कुल मिला के अनेक हल हैं। इसके हल की कोई मतलब गिनती नहीं कर सकते हो कितने हल हैं। y बराबर 4 रखने पर जैसे जैसे तुम रखते जाओगे वैसे x का कोई एक मान आएगा, y बराबर 0 रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये यानी ये 0 हो जाएगा, x का मान 6 आएगा। आप कह सकते हो कि ये भी इसका एक हल है, हाँ है ना। हमने कितने हल निकाले, एक अभी दो निकाला था, एक इधर एक उधर एक, ये हो गया। इस तरह से x बराबर 4 रख लो, हाँ x बराबर 4 रख लो तब भी आपको अलग अलग y का मान आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यक्स का मान -1 रखो, वाई का मान कुछ आएगा। ये दुई घात वाला समीकरण नहीं है लेकिन दुई चर वाला समीकरण है। तो दुई चर वाले इस समीकरण में, इस तरह के समीकरण में हलों की, यार ये रिकनेक्ट होता है बार बार साला, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये, हाँ ये चलता है कुछ सेकंड बाद डिसकनेक्ट हो जाता है फिर अपने कनेक्ट हो जाता है एक सेकंड में, ये तो लंबी कहानी कर रहा है। हाँ समझ रहे हो ना, चलें इसको मिटा दें। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम तुम्हें सिर्फ सिखा रहे हैं कि कोई भी जो इस तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, और अगला एग्जांपल ले लो तो इसके बाद वाला कुछ, अगला एग्जांपल लो इसके बाद वाला, चलो सभी यहां पर तुम लोग को एक चीज और लिखवाना था, शायद मैं पिछली बार वाले में पढ़ाया था ना। चलो पहले तो फिलहाल कर लो, फिर बाद में देखेंगे और आगे कल वाले में पढ़ा देंगे, जो भी लिखवाने वाला है आज कुछ नहीं लिखवाएंगे। आज सिर्फ समझ लो बस, लिखो ना कुछ। देखो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, मैं बार बार बोलूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन सुन नहीं रहा जो बच्चा, ये गड़बड़ है, समझ रहे हो ना, बहुत गड़बड़ है। इसका पहला पार्ट देखो, 4x 3y = 12, इसके कोई दो हल ज्ञात कर सकते हो आप लोग, इस दिए गए समीकरण का कोई दो हल निकाल सकते हो? मुझे तो लग रहा है निकाल लोगे तुम बहुत हल, हाँ
पढ़ाई कर लो, केवल केवल पढ़ाई कर लो, फालतू बातचीत वालों को ब्लॉक करो भाई। ये एक थी पागल टाइप की है, इसको बोला कि सबको ब्लॉक करो तो ये सबको समझाती रहती है, बात ना करो बात ना करो। हाँ, ये गिड़गिड़ाने से मानने वाले हैं नहीं, इनको समझ में कुछ आता है नहीं। देखो इसको क्या करना है, इसमें कोई भी मान रखो, x बराबर 0 रखने पर 90 आप तुमको हम ब्लॉक कर देंगे, समझ रही हो ना, 90 अब तुम्हें हम ब्लॉक करने वाले हैं। रुको, तुम बहुत समझा रही हो काफ़ी देर से ना, तुमको कितनी बार बताया कि जो फालतू का इधर उधर करे उसे ब्लॉक करो 5-5 मिनट के लिए, पूछो रोको समझाओ मत, ये ज़माना नहीं है। हाँ, लेकिन ये पागल 5 घंटा से मैं देख रहा हूँ, कल भी आज भी रोज़, ये किसी को ब्लॉक नहीं करती, बस केवल समझाती है, और वो अपना काम किए रहते हैं, सब लगे रहते हैं। यक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, ये 4 × 0 प्लस ये 3y = 12, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 3y = 12, यहाँ से y बराबर निकालोगे तो 12/3, यानी फाइनल में क्या आएगा 4। मान कितने कितने आ गए, कितने कितने मान आ गए बताओ। x का मान 0 रखा था, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 4, ये इसका एक हल हो गया। लिख लो लिखना चाहो तो, ठीक है लिख लो, फटाफट लिखो। ये हो गया, अब क्या करोगे, अगला क्या करना है, इसमें दूसरा हल निकालना है। कैसे करेंगे, यक्स का कोई दूसरा मान रखो, वाई का कोई दूसरा मान आएगा, इस तरह से यक्स का कोई दूसरा मान रखो, वाई का कोई दूसरा मान आएगा, ऐसे ही इनके अलग अलग हल ज्ञात करने हैं, ऐसे आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है, ठीक है। अब बताओ क्या रखें यक्स का मान, चलो आप लोग बोलो। पहला हल तो ये हो गया, दूसरा हल इधर होगा, यक्स का मान क्या रखें बोलो। चलो बताओ कितना रखा जाए, 4। अच्छा और कोई, ठीक है यक्स का मान हम रखेंगे इसमें 3, क्योंकि तुम लोग कुछ अलग अलग बताओगे, यहाँ पे 0 रखा था, यहाँ पे 3 रखेंगे। तो देखो भैया जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 और ये 3y = 12, तो ये हो जाएगा 12 और ये 3y और ये बराबर 12। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये 3y बराबर, देखो ये 12 और ये 12 दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। अबे लिख लो भाई, जिनको परेशानी है लिख लो, देखो हो जाएगा कि नहीं। तो y बराबर हो जाएगा 0/3, अगर ऐसी स्थिति आती है तो फाइनल में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। हाँ, तो y का मान क्या आ जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं कि जब x का मान 3 रखा गया तो y का मान क्या आया, 0 आया। इस तरह से समीकरण के दो हल निकल गए। सबको समझ में आया, वकील कुमार, प्रेम मेहरा, शिव राजपूत, उत्तम कुमार, रवि रंजन, सत्यनाम बिमल, आया समझ में, लिख लीजिए फटाफट, देर ना करिए, जल्दी लिखिए, इसको हम मिटा के आगे बढ़ेंगे। अभी 4.2 शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तुम लोग को केवल उसके लिए तैयार कर रहे हैं, इसके बाद तो 4.2 खुद कर ले जाओगे। हाँ 4.2 खुद कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा है नहीं। चलिए, आप लोग एनसीईआरटी किताब लिए हो क्या, किताब लिए हो कि नहीं,
लिए हो तो एक्सरसाइज शुरू कर दिया जाए क्या? प्रेम मेहरा पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ रहे हो ना तुम, पढ़ रहे हो, किताब लिए हो पढ़ लो चुपचाप, कहाँ तुमको अपनी खोपड़ी पे जोड़ लो ला करके। हाँ क्लास में तुम जुड़े हो, पढ़ रहे हो, और क्या चाहते हो, तुम्हारी आरती उतारा जाए? ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बारात गए हो दूल्हा के, बोले मुझे बारात लिए चलो, हाँ मुझे बारात लिए चलो, दूल्हा भी सोचेगा इसको दूल्हा बना दूं काम है, हाँ इसीलिए परेशान है ये। तो वही हाल इनकी है, ये क्लास में आए भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, सारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, फिर भी रट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं फिर भी, यानी होश में नहीं है। एक्सरसाइज 4.2 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है? ये इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 5। ये बताओ इसके कितने हल होंगे समीकरण के, पहले आप लोग बताओ। हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताओ जल्दी। गीता बताइए, रवि, विपिन, आयुष। देखो बच्चा इनके अभी अभी मैंने बताया, अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिया है जिसे बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हाँ क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो बिना कुछ बोले अगर हम कहें तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तीसरा सही है ना। लेकिन चलो रख के दिखा देता हूँ। पहले तो y इक्वल जीरो रखने पर, y इक्वल जीरो रखो, रख लो, रोका किसने है, ये जीरो हो जाएगा, 3x प्लस 5। इन चच्चा को इधर ले आओ फिर भैया, क्या होगा, खतरनाक लग रहा है क्या मुझे। देखो ये जीरो है, इधर से आएगा ये 5, तो क्या होगा, इसको दो तरीका है करने का, कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे? देखो ये 5 क्या इधर साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। भाई आप सोचो अगर इसका मान ना रखे होते एक मिनट के लिए, बिना मान रखे ही इनको पहले उतार लो, मान बाद में रखना, ये y इक्वल यही था ना। इसमें हमें क्या करना है, y का कुछ मान रखना है, y का मान हम बाद में रखेंगे, पहले एक काम करो, इनको 5 को इधर ले आओ, इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। y का मान क्या रखने को बोल रहे हैं, जीरो, तो जीरो रख लो, तो ऐसे बन जाएगा ये। भैया इसमें से जीरो घटेगा या कैसे कुछ भी होगा, इसमें कुछ हटने वाला है नहीं। हाँ कितना आएगा, 5/3 आएगा ना। हाँ समझ रहे हो कि नहीं, माइनस में आएगा, तो आपका ये माइनस 5/3 आएगा, यक्स का मान माइनस में है, माइनस ही रहेगा, जीरो से कोई मतलब नहीं, हट जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। चलो ये हो गया, तो यानी आप कह सकते हो यहाँ पर कि यक्स का वाई का मान जीरो रखने पर क्या आया, यक्स का मान माइनस 5/3 आया। अच्छा एक काम करो, यक्स का मान माइनस 5/3 रखो, क्या वाई का मान जीरो आता है? इधर साइड में चलो टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन है तो जल्दी रखो भैया, चलो फटाफट, तो यक्स का मान रखो तो माइनस 5/3 रखो जल्दी से, देर ना करो, ये 3 से 3 कट गया, माइनस 5 प्लस 5 सही तो है, फिर आ रहा है ना, ठीक है बहुत अच्छा। ये कोई विधि नहीं है, ये अभी विलोपन विधि, समापन विधि, कोई विधि नहीं है, अभी पढ़ नहीं रहे हो,
अभी तो केवल जो चैप्टर में दिया है तुम्हारे 4.2 करने को वो है, अभी तो खेल रहे हो। ये समीकरण हल करने का कोई विधि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो यक्स का मान -5/3 और वाई का मान क्या आया चचा? 0। ये आपका एक हल हो गया। ये कह रहा था कि कितने हल हैं इसके समीकरण के, इसमें ऑप्शन दिया था उसको सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो चलो इनका दूसरा हल दिखा दो, इस तरह से जब एक दो निकल जाए तो कह देना कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मैंने सिद्ध कर लिया है। वैसे झूठी बता दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, यक्स बराबर 1 रखने पर वाई का मान निकाल के बताओ, कोई बताएगा? ये राजपूत गेमिंग वाईटी, इसको ब्लॉक कर दो हराम खोर को। तो ये बहुत देर से कूड़ा कचरा भेजता है खूब सारा मिला करके। हाँ, इमोजी भेजने वाले को तुरंत ब्लॉक किया करो, इमोजी एक ही भेजी जाती है, दो ठीक, इतना सारा भेज देता है एक झउआ। हाँ, मतलब पूरे कमेंट में इसकी इमोजी देखे बस। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 + 5, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा ये? 8। हाँ ठीक है, और यक्स का मान कितना आया? 1। इस तरह से देखो मैंने दो मान निकाल के दिखाए, एक इधर से एक इधर ना, ऐसे आप कोई भी मान रखो और भी आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो एक ये हो गया अलग, एक तीसरा हल के लिए चलो करो। वाई का मान 1 रखने पर यक्स का मान बताओ, चलो जल्दी से बताओ, एक एक बच्चा बताएगा। वाई का मान 1 रखने पर यक्स का मान बताओ जल्दी, देर नहीं होना चाहिए, फटाफट बताओ। चलो कितना आएगा देखो बच्चा, सीधी सी बात है, वाई का मान जब तुम अगर 1 रख दोगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये चचा इधर आ जाएंगे, 1 − 4/3 हो जाएगा लगभग। हाँ, 4/3 आएगा ना, यानी हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है और ना ही कोई इसका दो हल है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नाभ्या गुप्ता जी, अगर आप परेशान हो जाइए तो बता दीजिएगा इन लोग को, ब्लॉक व्लाक करते करते, ठीक है, और भी लोग हैं वो लोग करेंगे, आप बता दीजिएगा कि परेशान हो गए अब हम, क्योंकि इनको झेलना आसान नहीं है, इनको जो झेलता है वो परेशान हो जाता है वैसे ही। इसका सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा भाई? 4.2 का फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा? हाँ, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करने हैं? 4 हल ज्ञात करने हैं। कर लोगे ना आप लोग? जैसे मैंने अभी बताया सेम वैसे करना है। यक्स का कोई मान रखो, वाई का कोई मान आएगा, वाई का कोई मान रख दो, यक्स का कोई आएगा, ऐसे ऐसे कर डालो फटाफट, 4 नहीं 44 मान निकाल लो ना। रोका किसने है? ये लो पहला ले लो, इसमें 2x + y = 7। क्या करना है, क्या करना है? इसके 4 हल ज्ञात करने हैं, तो 4 हल निकाल लोगे कि नहीं? चलो मैं एक आठी बता देता हूं। चलो भाई x = 0 रखो, वाई का मान क्या आएगा दौड़ के बताओ? 0 रख दो,
ये जीरो हो गया, वाई बराबर सात आ गया, यानी हम कह सकते हैं यक्स बराबर जीरो रखने पर वाई का मान सात आ गया, ये एक हल हो गया, ये पहला हल हो गया। बीबीके म्यूजिक बेटा तुम बहुत अच्छी समय में पैदा हुए हो, तुम्हारा काम भी यही है, हाँ भविष्य में यही करना तुम, बहुत अच्छा, खुश रहो, करो करो, ठीक है करो, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने हरामखोर इमोजी भेज रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो इमोजी भेजें लाइफ टाइम बस, बाकी कुछ ना करें, उनको पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। चलो अब मैं मना भी नहीं करूँगा, नहीं मना करूँगा, अब तुम खुद ही कचरा खाना चाहते हो तो खाओ। चलो इसमें यक्स का मान जीरो रखा था, चलो वाई का मान जीरो रख लो, एक हल तो मिल गया ये। अब इधर दूसरा हल, ठीक है, ऐसे आपको क्या करने हैं, चार हल ज्ञात करने हैं, तो ठीक है, दो एक्स वाई का मान जीरो रखना है, तो ये हो जाएगा आपका दो एक्स बराबर सात, एक्स बराबर सात बटा दो और वाई बराबर जीरो, ये आपका दूसरा हल हो गया। क्या हो गया, ये दूसरा हल हो गया, है ना, ना बे आप भी पढ़ाई करो, फालतू परेशान ना रहो इन लोग के चक्कर में, ये पढ़ने वाले हैं नहीं, इनको जो करने करने दो। चलो इसको लिख लो आप, दो हल हो गए मैं मिटा रहा हूँ, दो हो गया मैं मिटा रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। इमोजी भेजने वाले को परमानेंट ब्लॉक किया करो, फालतू नहीं, इन्हें परमानेंट ब्लॉक, जो तीन से ज़्यादा इमोजी भेज रहा है उसे परमानेंट ब्लॉक, कि दोबारा वो पटकता रहे कितना भी पटके लेकिन इधर तक ना आए, समझ रहे हो ना। हाँ, जो तीन से ज़्यादा इमोजी भेजे, दोस्त तीन से ज़्यादा इमोजी भेजे, उसे परमानेंट ब्लॉक करो, हाइड किया करो, होल्ड ना किया करो उसे हाइड किया करो एकदम से, हमेशा के लिए, दोबारा फिर ना कचरा पड़े वो। चलो ठीक है, तो दो हल हो गए समीकरण के, इसके तीन हल निकालना है, चार हल निकालना है, चाहे 25 निकालना हो निकाल लो। अब बताओ यक्स का मान क्या रखें, चलो तुम लोग बताओ क्या रखें, बोलो जल्दी। हाँ यक्स का मान क्या रखें इसमें, अब बताओ। देखो यहाँ पर रख सकते हो -1, मुझे पता है ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं, इनको संभालना आसान नहीं, बच्चे और बंदर कहते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो ये बंदर से ज़्यादा आगे। -1 रखा मैंने तो ये -2 हो गया, प्लस वाई बराबर 7, तो ये हो गया 7 और इधर जाएगा भाई साहब ये प्लस हो जाएगा, यानी यक्स का मान -1 और वाई का मान 9 आया। देखो तीन हल मैंने निकाल दिए बेटा, ठीक है, एक अभी उधर निकाला था मिटा दिया, दूसरा ये झांक रहा है, तीसरा ये है, समझ में आया ना। ये लड़की करती क्या है, ये किसी को होल्ड नहीं करती है, ये केवल उसका मैसेज डिलीट करती, इसलिए परेशान है, खुद परेशान है ये, अगर 5 मिनट के लिए होल्ड कर दे तो 5 मिनट फुर्सत मिल जाए, लेकिन ये होल्ड नहीं करती, ये बड़ी दयालु टाइप की है, ये पढ़ भी नहीं रही है, ये पढ़ पाएगी भी नहीं, इन लोग के चक्कर में पढ़ नहीं सकती, ये केवल उन लोग का कमेंट डिलीट करती है, एक एक कमेंट डिलीट करती है, इतने हराम खोर हैं ये, इनका कमेंट डिलीट कोई कर सकता है भला, हाँ इनको डिलीट नहीं, इनको सफाया किया जा सकता है बस। हो गया, आगे चले। तो इस तरह से आप लोग ये बताओ, जितने और भी इसके पार्ट दिए गए हैं कर लोगे कि नहीं, हाँ
इसके और जो भी पार्ट्स दिए गए हैं तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं नाव्या को ब्लॉक करने को सोच रहा हूँ, ये बिना मतलब का काम ये खुद ही कर रही है। चलो जल्दी सभी बच्चे बताओ, कर लोगे ना? अब आगे चलें? चलो ठीक है, सभी बच्चे फटाफट अपना करो। चलो लिख लो, अब इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कर लेना। चलो बच्चे कोई नहीं कर सकते, अब हमारे ये टीम के सदस्य जो सो रहे हैं उनसे करवाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले करेंगे तो वो डिस्टर्ब रहेंगे, मुझे पता है, फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे ना। इसलिए आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन लोग के चक्कर में मत पड़िए। इन लोग के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप लोग इसको कर लोगे? टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? अभी टाइम तो बहुत बचा है। ये जब डिस्टर्ब कर देते हैं ना तब क्लास आधा घंटा लगता है एक्स्ट्रा चल गई है। इसको साइड में रख के पढ़ाना चाहिए, कमेंट आना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई किसी का सवाल है तो बताओ। हाँ, अब कर लोगे इस तरह से ना? सभी कर लोगे ना भैया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आगे बढ़े फिर, अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया का? कितना क्वेश्चन बचा है अभी? अगला तीसरा कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। चलो देखो यहाँ पे समझो, अब ये तीन तीन मिनट वैसे ठंडाए रहेंगे, तीन मिनट बाद एक बार क्या करेंगे। देखो पहला इसमें समझो क्या है, समझो एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, समझो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन इसके हल नहीं है। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो पहला चलो ट्राई करते हैं। पहला है 0,2, क्या ये इस समीकरण का हल है या नहीं है? कैसे जानोगे जरा ये बताओ। रॉबिन कुमार, श्रवण, निखिल सिंह, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो सब लोग चले गए ना बेटा, तीन तीन मिनट बाद कमेंट कर पाओगे। तीन मिनट ठंडा रहो, पानी वानी पी लो, मुंह धुल लो, तीन मिनट बाद एक कमेंट कर देना। आग उगलना हो उगल देना, क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन पूछ लेना। तीन मिनट फिर आराम से ठंडाना, फिर तीन मिनट बाद आना। चलो तो यक्स का मान 0 रखो, इसमें यक्स का मान 0 रखो और वाई का मान 2 रखो बराबर 4। ये 0 माइनस क्या आएगा? 4 बराबर 4। तो ये माइनस 4 बराबर 4 क्या इसका मान है? बोलो है या नहीं है? 4.2 का तीसरा का पहला, सभी बच्चे बोलो। पहला वाला इसका मान है या नहीं है? भैया हो, माइनस और प्लस दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं, इनमें बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। ये इसका मान नहीं है। क्या है? ये इसका मान नहीं है।
ठीक है, ये बराबर है नहीं, ये मैंने लगाया है बस, बाकी ये बराबर नहीं है, अतः ये इसका मान नहीं है। चलो दूसरा का ट्राई कर लेते हैं। देखो सब ठंडा आ गए ना, ठीक है सब ठंडाए रहेंगे। तीसरे का देखो अगला, 2,0, 2,0, यक्स का मान 2 रखो, वाई का मान 0 रखो। यक्स का मान क्या रखोगे 2, वाई का मान क्या रखोगे 0। ये परेशान होते इसलिए करते हैं क्योंकि मैनेज नहीं करना जानते ना ये लोग, इसलिए जिसे कहते हैं बताए ना, लातिक भवानी बातें नहीं मनती उनका लात चाहिए, तो ये ओमे के हैं कुछ जो बीच में आ जाते हैं। तो यक्स की जगह पे 2 रखोगे, वाई की जगह पर क्या रखोगे 0 रखोगे। इस तरह से आपका ये 2 माइनस ये 0 बराबर 4। तो भैया वो ये जो 2 है वो 4 के बराबर नहीं हो सकता है। ये भी क्या है, इसका मान नहीं है, ये भी क्या है, इसका मान नहीं है। रख के देख लो, यक्स की जगह पे 2 रखा है, वाई की जगह पे 0 रखा है, ये कभी भी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी इसका मान नहीं है, दूसरा कान भी नहीं है भैया। देखो कोई एक ही होगा क्योंकि ये समीकरण मुझे लग रहा है ऐसा दिया है, इसका एक है कोई मान है। हाँ चलो ठीक है, अगले पे चलें। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। वैसे अगर एक प्रकार से देखा जाए तो पढ़ने में यहां पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं, जो पढ़ने वाले हैं कोई मतलब नहीं, बीच बीच में कभी कभार रहा 2-4 मिनट में एक बार कर दो ठीक है बहुत। और जो डंडा करा है वो पढ़ के आ रहा ना लायक, पढ़ थोड़ी रहा है वो पढ़ रहा ही नहीं। 4,0, चलो 4,0, यक्स का मान 4 रखो, ये 4 हो गया, वाई का मान 0 रखो, ये भैया होगा बराबर, यानी यही मान क्या है, यही उत्तर सही है, दोनों बराबर आ रहा है ना, बात समझ में आया ना। यानी यक्स माइनस 2 वाई बराबर 4 में 4,0 ही दिया गया जो मान है वो इस समीकरण का मान है, बाकी और कोई भी नहीं है। ठीक है समझ में आया ना, चलिए ठीक है अच्छा है। देखिए कमेंट देखना भी जरूरी होता है, अगर मैं वैसे भी छोड़ दूं कि कमेंट ना देखूं बिल्कुल से एकदम से, या फिर एक लोग की क्यों ड्यूटी लगाऊं भाई, देखो कोई फ्री में तो काम करता नहीं है। अब मान लो हमारी 4 क्लासें चलती हैं, हम 4 क्लास के लिए एक लोग को रखेंगे, महीना में उनको 8,000-10,000 देंगे, रोज कम से कम 200 रुपया देंगे, और तुम जिसमें हरामखोर टाइप का जो फ्री पढ़ना चाहता है, हाँ बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहता है, और वो उसके लिए मैं 200 रुपये खर्चा करूँ रोज, क्यों? इसलिए मैं शाम की क्लास में कोई भी कमेंट मॉडरेटर नहीं रखता हूँ यहाँ अपनी तरफ से, बाकी बच्चों में कोई हो जाए अलग बात है, समझ रहे हो ना। लेकिन ना देखा जाए तो कुछ लोग की शिकायत आती गार्जियन की, सर आपके क्लास में बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, उनको फिर कमेंटें दिखता है और कुछ नहीं दिखता दुनिया में। चलो तो इस तरह से आपका तीसरा हो गया समीकरण, ये खत्म होने के बाद चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आ जाए तो आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हाँ आंसर अपने दिल में थाम के रखे रहो, मत बताओ। चलो देखो इधर साइड समझो, केवल पढ़ो बस, कोई आंसर मत बताओ, बताना होगा तो हम कर देंगे, हटा देंगे स्लो मोड, बता लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए, 2x + 3y बराबर के, 2x + 3y बराबर के। इसमें बच्चा यक्स का मान 2 दिया है, वाई का मान 1 दिया है। चलो के का मान निकाल लोगे रख के कि नहीं? चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं खुद मैनेज करूंगा ना, उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैं हटा दे रहा हूँ स्लो मोड, जो लोग परेशान हो। चलो वैसे तो तुम लोग को हरदम आंसर बताना है नहीं। हाँ चलो ठीक है, खुश हो अब? चलो चलो जल्दी करो, फटाफट कर लोगे ना अब? ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना। यक्स का मान 2 रखोगे, वाई का मान 1 रखोगे, के का मान निकालना है। 4 + 3 बराबर के, के का मान 7 आएगा, है ना? मनोज ठीक है, ज्योति, नव्या, अभिषेक, अनिल, लीजेंड, गॉड गेमिंग, हेमेंद्र, और कोई एनीवन? तो बच्चा 4.2 खत्म होने के बाद 4.3 आता है, 4.4 खत्म हो जाए तो आपका चौथा चैप्टर भी खत्म हो जाए, है ना? देखो कुछ पढ़ने वाले जो हैं वही रहे तभी अच्छा है यार। चलो ये आपका एक्सरसाइज इंडो हो गया, द इंड। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन दिया गया है, इसको कह रहा है कि इसके जो मानक समीकरण है उससे कंपेयर करके ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका मानक समीकरण लिख दिया AX + BY + C = 0। इससे इसकी कंपेयर करेंगे, एक एक पार्ट की कंपेयर की जाती है। तो सबसे पहले हम AX की कंपेयर X से करेंगे। कंपेयर करने का मतलब होता है उन दोनों पदों को बराबर करना, ठीक है? तो AX की तुलना X से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करते हैं, समझ लो। यहाँ से हमें A का मान निकालना है, A को ऐसे छोड़ देंगे तो X अपान ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा X, ये कट जाएगा, A बराबर 1 आएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि A का मान कितना आया बेटा, 1, ठीक है? और B का मान कितना आएगा, इसके लिए B वाला जो पद है उसको कंपेयर करोगे, ठीक है? देखो यहाँ से समझो, B वाला पद क्या है, इसमें देखो BY है, इसमें -4/5y है ना, यही है ना? तो चलो ठीक है, रख लो यहाँ से समझो। इस BY को क्या करोगे, -4/5y इसके बराबर करोगे, बराबर कर लो। चलो हमें किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे b बराबर ये -4/5y और ये बटे में जाएगा इधर से गुड़ा में y, ये कट जाएगा, यानी b की वैल्यू -4/5 आएगी। सबको समझ में आ रहा है ना? माइनस में है अंशिका सरोज, के रंजू देवी, सभी गलत बता रहे हो, ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। सी का मान क्या आएगा, देखो इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अकेले 1 है तो ये +1 ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस रहता, ये चीज आप समझ लो, ठीक है? तो आज हम आप लोगों को समीकरण हल करना ना बता दें साथ में क्या? नहीं, कुछ और भी इस तरह से ये पता नहीं क्यों
एक बार डिसकनेक्ट होता है किट किट फिर से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करता है, पता नहीं इसको काम मिल रहा है ऐसा। देखिए यहाँ पे समझिए, अगला हम एक और दे रहे हैं, 5 = 2x। इसमें आप लोग ए बी और सी का मान बताओ, कंपेयर करना है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। जल्दी करिए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। गीता जितेंद्र, आर्यन बाबू पढ़ाई नहीं कर रहा ना तू बेटा, हाँ तुम्हें कुछ और चाहिए ना। चलो बताओ, जल्दी करो फटाफट बोलो। आ जाएगा ना, देखो जल्दी जल्दी से अगर आप आंसर बताओगे तब अच्छा लगता है, इधर उधर की लत्ता ही करते हो तो नहीं अच्छा लगता। इसमें देखो क्या है क्या नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वो माइनस बराबर हुआ, इसको ऐसे कर सकते हैं, अब नहीं बताऊंगा कैसे। x वाला पद देखो दोनों में है, यानी हम कह सकते हैं a का मान 2 आएगा सीधा सीधा। अगर b का मान निकालने की बात आई तो बेटा यहाँ पे b वाला पद नहीं है इस समीकरण में, अचर पद है लेकिन b वाला नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर b वाला नहीं है तो b 0 हो जाएगा। c वाले पद की अगर बात आई तो c वाले में क्या है, ये -5 है। इस तरह से इनकी कंपेयर करते हैं, वर्तिका श्रीवास्तव 5 नहीं होगा -5 होगा, -5 होगा। दिव्यांश पांडे, दोपहर 2 बजे से कक्षा 10 का मैथ होता बाबू, दोपहर 2 बजे से कक्षा 10 का गणित होता है, दोपहर 2 बजे से, ठीक है ओके। तो लिख लो, आगे बढ़े फिर हम लोग इसी क्रम में लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो ये नितिन दुबे को ब्लॉक कर दो परमानेंट, ये दोबारा कमेंट ना कर पाए, नहीं इसको पढ़ना है नहीं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है सब कुछ अच्छा है। आप लोग मुझे ये बताओ क्या इस तरह का अगर कहीं भी इक्वेशन दिया है तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो ना, एक बार बोलो तभी कंपेयर कर लोगे ना बाबू। हाँ चल खंडेवाल, चलिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है। तो एक लास्ट और बता दो फिर, x = 3y, इसको भी कंपेयर करके आपको a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बताओ, चलो कितना आएगा इसमें, कोई बताए एनीवन, ऐसे कैसे पता चलता है ये भी नहीं होगा सी होगा, दिमाग की मतलब मैं क्या कहूँ, इन लोग के पास दिमाग है नहीं। देखो इधर सुन लो, देखो एक पागल टाइप का पूछ रही कि कैसे पता चलेगा ए है बी है कि सी है क्या नहीं है। देखिए समझिए समझिए, मैं सब बता रहा हूँ। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो 3x + 4y + c = 0, तो इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है axby + c = 0, होता है ना, यानी इसमें देखो ax की जगह पर 3x वाला पद है, by की जगह पे 4y वाला पद है, c की जगह पे c वाला पद है, यानी इसमें सारे पद हैं, x वाला भी है y वाला भी है,
यानी हम कह सकते हैं ए वाला भी पद है, बी वाला भी है और सी वाला भी है। लेकिन इसमें देखो बच्चा, ए में देखो एक नज़र, ये यक्स माइनस तीन वाई हो सकता है बराबर जीरो। अब तुम लोग खुद ही अपना दिमाग लगाओ, इसको थोड़ा हम और दूर लिखेंगे। यहाँ इसमें यक्स है, यक्स वाला पद है, अगर ए यक्स से कंपेयर करो, बी वाई से कंपेयर करो तो तीन वाई वाला है, यानी ये पद है। लेकिन इसमें क्या नहीं है ये बताओ, इसमें क्या नहीं है? दिव्यांश पांडे बेटा शांत रहो, जो चल रहा है तुम्हें दिखेगा, हाँ दिखेगा, टाइम बता दिया उसी टाइम पे आना, बस दिखेगा तुम्हें, परेशान ना रहो। कौन सा नहीं है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है? आशीष यदुवंशी, सी वाला नहीं है। धोनी गुप्ता बोल रहे हैं यस सर। हेमंत, रोहित विश्वकर्मा, और कोई एनीवन? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग नहीं चल रहा है अभी। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे सारे पद हैं, केवल सी वाला नहीं है, मतलब अचर पद नहीं है। हाँ केवल अचर पद इसमें नहीं है, आप समझ में आया ना? तो ए एक्स की कंपेयर अगर यक्स से करोगे तो ए का मान वन आएगा, बी वाई का कंपेयर माइनस तीन वाई से करोगे तो बी का मान माइनस तीन आएगा, और सी का कंपेयर करने के लिए इसमें कोई है नहीं तो सी का मान जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इसके मान निकालने को बोले तो तुम लोग एक एक बताओ मुझे कितना आएगा। दिए गए इक्वेशन की इसके मानक समीकरण से तुलना करके यक्स नहीं, एबीसी का मान बताइए, जल्दी करिए, एबीसी का मान बताइए जल्दी फटाफट। भाई हर्षित को ब्लॉक कर दो तो फटाफट, हर्षित को ब्लॉक करो। प्रभुलाल गुर्जर, ये 4.1 पर आधारित है, 4.1। तो ये आप लोग कर लोगे ना, इसको आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, अच्छा है, सभी पढ़े हो, सभी जानते हो, अब समझो। आराधना तुम भी काफी कूद रही हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा कमेंट भी कुछ अलग तरह से आ रहा है। अब तुम्हें ब्लॉक करने की बारी है बस, हाँ तुम्हें परमानेंट ब्लॉक किया जाएगा। तो ये आप लोग कर लोगे, 4.2 तक तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, हाँ अब हम कुछ और भी पूछेंगे, अभी ऐसे नहीं चलने वाला है। सोनाली शांत हो जाओ, नहीं दांत वांत तोड़ दिया जाएगा, जान लो, हाँ फिर खाने में भी मुसीबतें आएंगी। तीन कामा माइनस पांच, ये किस चतुर्थांश में है? क्योंकि आज हम कवर करेंगे जो अभी हाल ही में पढ़े हैं, जल्दी बताओ तीन कामा माइनस पांच ये किस चतुर्थांश में है, बताइए जल्दी करिए फटाफट। हाँ सभी कोशिश करिए, किसमें है? वहीं रख दीजिए ना, कौन सा है? या ये बगल में है नहीं कोई? ठीक ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग। विजय, गीता, जितेन, रंजू, अंशिका, आशीष, प्रमोद, रायल, शिव, पूजन, ठीक है, विकास, आशीष, पंकज, बहुत अच्छे। तो ठीक है, किस चतुर्थांश में मैंने पूछा? देखो बेटा कल मैं तुमको बताया था,
ऐसे होता है ना, ये मूल बिंदु होता है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे जबरदस्ती खींच दिया गया था। हाँ, इसमें इधर साइड सभी नंबर प्लस होता है, वो तुम सबको पता है। हाँ, इधर साइड माइनस होता है, इधर साइड ये माइनस होता है। हाँ, होता है ना। तो आपको पता है बच्चा, इसमें यक्स है और वाई है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे निर्देशांक बोलते हैं। ये देखो प्लस यक्स है, माइनस क्या है, वाई है ना भैया, समझ में आ रहा है ना। तो प्लस यक्स और माइनस वाई किधर में होता है, पहले वाले चतुर्थांश में देखो तो दोनों प्लस होता है, यक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। दूसरे वाले चतुर्थांश में देखो तो y प्लस होता है और x क्या होता बेटा, माइनस होता है। दूसरे में, तीसरे में x और y सब माइनस होता है। चौथे में देखो तो x प्लस होता है, y माइनस होता है, यानी इसी में आएगा 3, -5। बात समझ में आई ना सबको कि नहीं आई, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। 3, -5 जो है चौथे चतुर्थांश में होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आती तो याद रखना, अभी कंपटीशन की तैयारी करोगे, आगे जाके एसएससी में गिरोगे ना, या कुछ भी करोगे लाइफ में, तो तुम्हें आना चाहिए ये। और अच्छे अच्छे को नहीं आता है, अच्छे अच्छे को नहीं आता है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बात समझ लो। चलो देखो इधर साइड में एक और बताओ, अगर मैंने पूछा कि प्लस का 7 माइनस का 3, ये किस में है, ये किस चतुर्थांश में है बताओ। माइनस का 3 प्लस का 7 किस चतुर्थांश में है, जल्दी बताइए, देर नहीं करिए, फटाफट बताइए बच्चा। चलो जल्दी करो, उसको करने के बाद इसमें रेडी रहो, आंख गड़ा के मैं लिखने जो चल रहा हूँ इसमें रेडी रहो। चलो जल्दी करो, बिंदु यम का निर्देशांक बताओ, बिंदु यम का निर्देशांक बताओ। हर एक बच्चा बताएगा बिंदु यम का निर्देशांक, और इसके बाद में बच्चा बिंदु सी का निर्देशांक बताओ। बिंदु सी यहाँ पर प्रतिस्थापित है, मान लो इतना ही काम नहीं चलने वाला है ना, अभी तुम्हें यहाँ बिंदु बी का निर्देशांक भी बताना है। चलो जल्दी करो, बिंदु यम का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताना है इसका, बिंदु बी का निर्देशांक बताना है, बिंदु सी का बताना है। तुम कहो तो मैं इसे तरीका बता दूं, थोड़ा सा हिंट्स, इनको ऐसे मिलाओगे अपने सामने वाले से, ऊपर कहाँ जा रहा है ये, अब इतने में तुम निकाल सकते हो। प्रभुलाल गुर्जर, ज्योति, प्रियांशु, आसिक अंसारी और रामबली, विकास, कोई एनीवन, और कोई, देखो ट्राई हर कोई करेगा बेटा, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तुम कोशिश ना करो ना, इतना बड़ा नालायक हमारे बच्चे हैं नहीं, नहीं वो कोशिश जरूर करेंगे। मैंने 3 पूछा है, बिंदु यम का निर्देशांक बताना बेटा, बिंदु बी का निर्देशांक बताना है, बिंदु सी का निर्देशांक बताना है, खोपड़ी पकड़ना नहीं है, खोपड़ी छोड़ के ठंडे दिमाग से सोचना है, मैं बता रहा हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जितने खब्बू टाइप के इधर आ जाओ। ये जो वैसे हलवा पूड़ी एक में ढकेले जा रहे हैं बिना नंबर वंबर डाले, कैसे जाने किसका है, हाँ, कौनो बी का बता रहा है, कौनो यम का, कौनो सी का, सब एक के जैसे, हाँ एक के जैसे। देखो पहले तो निर्देशांक जो भी लिखा जाता है यक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है, यक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है,
तो यक्ष अक्ष पर चल के देख लो चाचा, ये तुम सबको पता है कि ये यक्ष अक्ष है, ना लिखा जाए तब भी ये वाई अक्ष है। तो यक्ष अक्ष पर देखो ये तीन पॉइंट चलना है इस पे, यहां से देखो ये लाइन आई है, यानी यक्ष का मान क्या है, तीन है। वाई अक्ष पर नीचे आएगा, यहाँ पे देखो माइनस तीन वाले से निकला, ये खुद ही मैंने खींच दिया है, तो माइनस तीन, यानी आप कह सकते हो बिंदु यम का निर्देशांक जो है वो तीन कामा माइनस तीन है। क्या है? तीन कामा माइनस तीन। आर्यन बाबू को एक बार ब्लॉक किया गया था, इनके खुजली अभी भी मच रही, इनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। आर्यन बाबू को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, अब ये छटपटाएंगे नहीं बिल्कुल। चलो, इस तरह से अगर हम बिंदु यम का निर्देशांक देखें तो हो गया बी का निर्देशांक के लिए, इसके सीधे वाले से जुगाड़ कनेक्ट कर लेंगे, ये सीधे वाले से, इसके सीधे वाले से जुगाड़ कनेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आप देखे हो कि नहीं, जो लोग दुकान लगवाते हैं, सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, उनके पास लाइट नहीं होती है, अगल बगल जहाँ खंभा होता पड़ोसी की दुकान से तार जोड़ लेते हैं, काम चला लेते हैं, तो वैसे ये भी क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लिया एक, ठीक ठीक यहाँ जोड़ लिया। अब देखो बेटा, इनका जो निर्देशांक है यक्ष और वाई के रूप में होगा, तो यक्ष अक्ष पर कितना चल रहा है, पहले यक्ष अक्ष पर तीन पॉइंट चल रहा है, तो तीन हो गया, वाई अक्ष पर ऊपर को जा रहा है दो, तो तीन कामा दो। याद रहे यहाँ पर प्लस ही रहेगा दोनों, क्योंकि ये लाइन भी प्लस है, ऊपर को बगल को भी प्लस है, लेकिन इस चतुर्थांश के लिए यक्ष वाला प्लस है, वाई वाला नीचे वाला सब माइनस है, इसलिए यहाँ पे तीन माइनस में आया था। अब तुम सभी लोग सी नंबर डाल के मुझे इसका आंसर बताओ, सी नंबर डाल के बताना इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करो। फालतू इमोजी भेजने वाले को तुरंत एक बार टाइम आउट, दोबारा उसकी खोपड़ी में अगर गोबर ना निकला तो परमानेंट ब्लॉक, बिल्कुल समझौता नहीं, केवल पढ़ने वालों को ही यहाँ पे रखना है। या तो चुपचाप पढ़ो, या फिर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो चुपचाप देखो, मन मन गरियाओ, लेकिन यहाँ तक ना सुनाई पड़े तब अच्छा है। चलो, आकाश शर्मा अभी तो हम बड़े धूमधाम में है, अभी तो तुमको भी दिख रहा होगा। रविशंकर बता रहे हैं सी वाले का, उसके पहले रोशन कुमार ने बताया है, विपिन रंजन ने बताया है, रंजू देवी ने बताया है। विपिन तो दोनों प्लस बता रहे हैं, विपिन तुम्हारा तो गलत है बेटा वैसे भी। हाँ, रोशन माइनस बता रहा है, एक एक प्लस बता रहा है, भाई रोशन तुम्हारा भी गलत है। अरे नलायक गधे, दोनों माइनस होगा भैया। बाबू देखो, सी का निर्देशांक यहाँ है ना, यक्स और वाई के रूप में होगा ना। अब आपको पता है ये चारों तरफ माइनस वाले से ही घिरा है, अगर यक्स अक्ष पे चलो तो इनका भी बुरा वक्त चल रहा है, ये भी माइनस में है, वाई वाले पे चलो ये भी माइनस में है, तो भैया हो चचा हो ये देखो। अब इनको सी हम यहाँ थोड़ा दूर निकाल रहे हैं, पॉइंट तो यही था ना, ये कुछ समझ रहे हो कि नहीं, इसको मिटा इन दो, बिंदु यही थी ये, यानी यक्ष पर भी क्या था, माइनस था माइनस चार, और वाई पे कितना था, माइनस दो, चार कामा माइनस दो था, माइनस दो था बट्टा वाई में, कुछ ऐसे है ना, दोनों में चार चार बता रहे हैं। अरे हरामखोर, दोनों में चार होने का मतलब ये यहाँ आता, यहाँ ये यहाँ आता, ये फोर है, तो हियाँ थोड़ी है, वो तो ऊपर था ना, तो अपने बगल वाले से जुगाड़ होगा कि हियाँ पड़ोसी के घर से थोड़ी होगा। चलिए हो गया, ये खेला हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। मूल बिंदु को इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानना हो क्या कहते हैं बताओ। ओरिजिन बोलते हैं ना, मतलब उत्पत्ति का स्थान जहां से सब निकले हैं। अरे मतलब ये बिंदु निकले हैं हम लोग नहीं। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ कितने लोग इसमें एनसीईआरटी किताबें लेके रखे हैं भाई। किताब उताब है पास में तो क्वेश्चन किताब से बोलना आसान रहेगा। 4.2 तक पढ़ा दिया हूँ, कल टेस्ट होगा 4.2 तक। दिल थाम के बैठे हो ना, 4.2 तक कल टेस्ट होगा। बताओ पढ़े हो ना। शिव राजपूत, छोटू, राजकुमार तिवारी, बहुत टाइम पे आए हो, अच्छे टाइम पे आए हो। कल 4.2 तक टेस्ट होगा। जो टेस्ट के लिए तड़फड़ा रहे थे, हाँ उनकी सांसें रुक रही थी, उम्मीद करते हैं उनकी सांसें अब तेजी के साथ चलेंगी। हाँ चलो एक क्वेश्चन बताओ, ऐसे भी पढ़े हो तुम। ये बताओ मुझे ये किस प्रकार का समीकरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है। पहला वाला ए वाला ये किस प्रकार का समीकरण है। ये बी वाला किस प्रकार का समीकरण है ये भी बता देना मुझे। ये सी वाला किस प्रकार का समीकरण है। ये सब समीकरण है, इन सबसे तुम परिचित हो। ये किस प्रकार के समीकरण है बताइए। अनन्या झा, पीछे के सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, पीछे के सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, आप कभी भी देख सकती हो। प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में है, कभी भी आप देख सकती हो। आप ये बताओ दिख रहा है पूरा क्लियर ना, एकदम मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं ना देखने में। मुझे तो लग रहा है पूरा एचडी में दिख रहा है। क्यों भैया, अच्छा दिख रहा है ना। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, इनसे आपको मैंने पहले भी परिचित करवा दिया है। जिनकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। हाँ जिनकी अधिकतम घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जिनकी घात 3 होती है वो तीन घात समीकरण कहलाता है ना, है ना। तो सबसे ऊपर वाला आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। हाँ बाइनोमियल बोलते हैं क्या उसे, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में, हिंदी में द्विघात समीकरण। दूसरा वाला अभी अभी पढ़े हो वही है, ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। और ये रैखिक समीकरण है बस, ये एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। और ये तीन घात वाला हो गया आपका, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस यही सब है, मुझे लग रहा है कि आपका क्लास खत्म तो नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल, बहुत कुछ पढ़े हो तुम लोग, थोड़ा सा और रिवाइज कर लो। चलो फटाफट और पीछे आ जाओ, तो थोड़ा और पीछे आ जाओ, थोड़ा और पीछे आ जाओ, थोड़ा और पीछे। ये बताओ चाचा लोग, अगर मैं एक इक्वेशन दूंगा और तुम्हें भाग करना होगा तो क्या कर लोगे। देखो सब तैयार रखो, कल के टेस्ट के लिए आज ही सारा हिंट्स मिल जा रहा है। कल के टेस्ट के लिए आज ही सारा हिंट्स मिल जा रहा है। देखो यहाँ से, अगर यक्स माइनस वन से भाग करने को बोले हम, किनको भाग करना है, 3x का घात 4 और 4x घात 3 और 3x और 1,
इनको भाग करके शेषफल कितना आएगा, कोई बता पाएगा? बोलो, जिनको ना आएगा वो नो लिख के कमेंट करेगा या नो नो, बोलो कर लोगे कि नहीं? दिख तो रहा है सबको ना, ऐसा तो नहीं किसी को कम दिख रहा है। जल्दी करो, इनको भाग करके शेषफल बताना है। देखो ये सब नाइन क्लास का है, ये सब नाइन क्लास का है, इनको भाग करके शेषफल बताना है। चलो जल्दी बता दो बाबू, कितना आएगा? टाइम लगेगा या कर नहीं पाओगे ये बताओ, मुझे ईमानदारी से बताना। हाँ, पहले बताओ टाइम लगेगा इसको करने में या कर नहीं पाओगे? नहीं कर पाओगे का? शेषफल बताने को कहा मैंने, चलो मैं बताता हूँ। मोहम्मद तारिक, पिछला वीडियो नहीं देखा हो तुम तो मैं क्या करूँ? हाँ, काहे नहीं देखा पिछला वीडियो? कौन तुमको पकड़ के रखा था? जल्दी बताओ शेषफल बताओ फटाफट, देर ना करो चचा लोग, बहुत जल्दी बताओ। ऐसे तो मजा भी नहीं आती जैसे तुम लोग कर रहे हो। हाँ देखो, यक्स माइनस वन है ना, सिंपल सा बात है, हमें क्या लाना है? अभी मैं भाग करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिर तुम कहोगे कि ये तो गड़बड़ है, इसका शेषफल आएगा माइनस पांच। एग्जाम्पल है पेज नंबर 45 पर, पेज 45 पर एनसीईआरटी में उदाहरण दिया, देख लो माइनस पांच आएगा। कितना आएगा? माइनस पांच आएगा, समझ रहे हो ना बच्चा? कर लेना, ये तरह का क्वेश्चन भी कल रहेगा, एग्जाम आपका टेस्ट होगा। तुम ये मैं तुम्हें हिंट्स बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में भी जरूर आएगा, चाहे एक कट ही आए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, पक्का आएगा, चाहे एक कट ही आएगा। भागफल परमीय शेषफल परमीय पढ़ाया हूँ, उसमें से जरूर आएगा। एकात ना एकात क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखना। अच्छा एक ठीक और बता दो चलते चलते, पाई बटा दो यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। जल्दी बताओ इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? मनोज यादव, हर्षित, हर्षित पढ़ाई कर लो दोबारा, कमेंट ना करो फालतू, बस चुपचाप पढ़ो तब तो ठीक है, चुपचाप पढ़ो। देखिए जो बच्चे नहीं पीछे वाला देखे हैं उनको मैं अभी जुगाड़ बताऊंगा, जाना नहीं। जो बच्चे पीछे का क्लास नहीं देखे अभी उन्हें मैं लिंक भेज दूंगा, वो सब वीडियो पा जाएंगे पीछे का, टेंशन मत लो। इसमें देखो कोई दो बता रहा है, जो दो बता रहा है उसका गलत है, गौरव सिंह गलत है, रोहित विश्वकर्मा, प्रभुलाल गुर्जर, जयराम गोसाई, रोशन, अंशिका, मोहम्मद फुरकान अहमद, जो तो दो बता रहा उसका गलत है बेटा। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके साथ में जो भी लगा है वो सब गुणांक है, पाई बटा दो है, क्या है? पाई बटा दो, ठीक है, गुणांक में क्या है? पाई बटा दो इसका आंसर है। देखो गुणांक वो होता है जो उसके बगल में सटा होता है, जैसे तुम कहीं निमंत्रण शादी में गए हो, शादी में तुम गए हो, साथ में तुम्हारे पापा गए हैं, मम्मी गए हैं, तुम भी गए हो, पिल्ला जैसे तुम भी वहीं सट के खड़े हो, तो कोई तुम्हारे पापा का गुणांक पूछे तो कौन कौन रहेंगे? तुम रहोगे, तुम्हारी मम्मी रहेंगी, मतलब जो जो साथ में है, समझ रहे हो? यही होता गुणांक का मतलब, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। 0.3 लेकर के आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है कि आलेख खींचिए, दिए गए समीकरणों को क्या करिए, इनको लेते हुए एक आलेख खींचिए। देखो यार, आलेख क्या होता है आप जानते हो, यानी संख्या रेखा पर इस समीकरण को एक प्रकार से दिखाइए, इस समीकरण का ग्राफ खींचिए। वो कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखना। देखो इसमें जो दिया गया है इक्वेशन है, इससे हम पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जरा ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे देखो ये मैंने बना लिया एक स्ट्रक्चर, मतलब सारणी, इसी में हम पहले मानों को लिखेंगे। तो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा आज। मुकेश जी, प्रियांशु, सोनिका, चलिए देखिए, यक्स है, ये है वाई का मान। देखो बहुत गौर से देखना, पहला समीकरण हम करेंगे पहले, दूसरा वाले के लिए दूसरा सवाल बनेगा। यदि हम यक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 फुट करें तो क्या होगा, सोचो वाई का मान क्या आएगा। अगर यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान बच्चा लोग यहाँ पर 3 आएगा भैया। कितना आएगा? 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम यक्स का मान 1 रख रहे हैं तो वाई का मान क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो आया ना, आया ना। कोई भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट मालूम होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट से आप नहीं खींच सकते हो। तो ये तो हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, 1, 3, ठीक है। दूसरा, अब मान लो कि इस समीकरण में हम वाई का मान 0 रख देते हैं, तब क्या होगा। चलो वाई का मान 0 रखें तो ये 4 हो जाएगा, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, 4। हम जब वाई का मान 0 रखेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, हम चाहे जितना ऐसे बना सकते हैं। और हाँ एक बात और, ये सभी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। क्यों क्यों स्थित होंगे भाई सीधी रेखा में, क्योंकि ये सरल समीकरण है, ये सरल समीकरण है। सरल समीकरण का जो ग्राफ बनता है एकदम सीधा बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं 1-2 कोऑर्डिनेट और भी ज्ञात कर लेता हूँ चाहे तो, आपके सुविधा अनुसार। चलो अब हम यक्स का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो वाई का मान क्या आएगा, तो भैया तब भी वाई का मान 4 आएगा, यानी यक्स 0 रखोगे तो वाई 4 आएगा। अब रहने तो इसके आगे बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन जो हमें कहा था करने को उतना मैं अब कर लेता हूँ। इसका आलेख बनाना था तो अब मैं बनाता हूँ, क्या जो आप अभी तक पढ़े हो चतुर्थांश वाला सिस्टम, ये होता है यक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यही तो बोलते ना इसको। इधर होता है यक्स डैश अक्ष, इधर होता है वाई डैश अक्ष, इतना ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है ना। आप जरा गौर से देखना इसके आगे क्या होता है साथियों। जब यक्स क्या है 1, वाई क्या है 3, हम यहाँ बिंदु को साइड में लिख लेते हैं, आप इन्हें ध्यान देना, 1, 3 है, दूसरा बिंदु 4, 0 है, तीसरा बिंदु क्या है 0, 4 है। इनको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। हम जानते हैं यक्स के राइट साइड सभी जो भी नंबर हैं वो प्लस जाते हैं, बोलो जाते हैं ना, ऊपर साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस होते हैं। यक्स के मतलब मूल बिंदु के बाई तरफ लेफ्ट साइड सभी मान निगेटिव होते हैं, ये -2, -3, -4, और नीचे भी वही हाल होता है। ये आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, काफ़ी परिचित हो पहले से। तो भैया 1, 3 कहाँ होगा, जरा गौर से समझो। यक्स पे वन मतलब यहाँ है और वाई पे 3 मतलब ये। तो ये कहाँ पे जाएगा इसका बिंदु, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, 3। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से देखना, अभी ग्राफ बनेगा एकदम सीधा बनेगा। 4, 0, 4x पे y पे 0, तो यक्स पे 4 यहाँ है, वाई पे 0 मतलब ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो भैया 4, 0 बच्चा इसी पे होगा, किस पे, इसी पे जहाँ मैं बिंदी रखा हूँ, 4, 0 रख लो, ठीक है। इसको ऊपर लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता भी है। तो ये हो गया 4, 0, 0, 4, यक्स पे 0, वाई पे 4। चलो यक्स पे 0 मतलब इधर की बिल्कुल नहीं जाना, इधर बिल्कुल नहीं आना, केवल वाई पे ऊपर 4 जाना, मतलब यहाँ कहाँ पे, यहाँ। ये क्या है,
ये वाई अक्ष में साइड में लिख देता हूँ, जगह बना देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा भैया ये वाई अक्ष है, ठीक है क्लियर। तो ये यहाँ पे आ रहा फोर पे, ये ऊपर भी जा सकता है, कसम नहीं खाया कि यहीं पे रहेगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा। ये क्या है, जीरो कामा फोर, जीरो कामा फोर। अब अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, ये बहुत ध्यान से देखना, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा। यू अंडरस्टूड, बन गया ना, यही है इस समीकरण का आलेख। और इतना ही नहीं, इसमें आप कोई भी बिंदु फाइंड करोगे इस तरह से, यक्स और वाई में से कोई एक मान रख करके, तो जो भी बिंदु आएंगे सब इस रेखा पर स्थित होंगे, इसी रेखा पर सब आके इसी में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं कोई माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया ये एक रैखिक समीकरण है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, हमेशा एकदम सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता इसे इसे, बात समझ गए ना। तो आप इसे जल्दी से छाप लो, ये पहला वाला हो गया। देखो ग्राफ पे ध्यान देना, बिंदु पर ध्यान मत देना, हो सकता है आपके उत्तरमाला में पॉइंट कुछ और दिए गए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हो उसमें। मैं एक एग्जांपल इसमें आपको और भी दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, बहुत गौर से देखो कैसे। यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो मैं कुछ मान और भी निकाल देता हूँ। चलो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, यक्स का मान अभी तक हमने 1, 4 और 0 रखा था, अब चलो हम 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो भाई लोग क्या आएगा, वाई का मान 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। यक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान भी 2 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2, 2 भी इसमें का एक कोऑर्डिनेट होगा। तो बच्चा जब यक्स पे 2 चलोगे, वाई पे 2 चलोगे तो पहुंचोगे कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ आएगा। इसको सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये यहीं पे आएगा। कुल मिला करके ये भी इसी में ही, इसी लाइन पे ही होना चाहिए। ये हमारा लिखावट जो है, अगर आप ग्राफ पेपर लोके करोगे तो एकदम सीधा सीधा जाएगा, बात समझ रहे हो ना। ग्राफ पेपर लेके करोगे तो एकदम सीधा जाएगा, कोई भी इसमें इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ओके। तो ये 2, 2 भी इसी पे आना चाहिए, इसी पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन संयोग बस क्या है कि हमारे यहाँ जो ये नंबर लिखे गए, मैंने तो ऐसे लिखा है ना, कोई माप वगैरह तो लिया नहीं है, ऐसे 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, वहाँ लिख दिया, इसलिए सीधा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। बाकी ये भी इसी पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा जो यहाँ आ रहा है, ठीक है। बाकी इस हिसाब से तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसी पे जाएगा, क्योंकि ये दूरी बराबर होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 की दूरी, 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 की, हर जगह ये होना चाहिए बराबर बराबर दूरी पर, तब सीधा बैठेगा, बात समझ गए ना। तो कोई भी मान आप ले लो, सब उसी रेखा पर स्थित होंगे, चाहे जो भी लेके रख लो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, दूसरा समीकरण क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू का आलेख खींचना है, इसका आलेख कैसे बनेगा, पहले तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो, इसके बिंदु फाइंड करो। तो भैया यक्स बराबर 0 रखो इसमें, 0, या फिर आप कुछ भी रख लो, ये नहीं जरूरी कि 0 ही रखो, 10 रख लो आप, 25 रख लो, 100 रख लो, कुछ भी रख लो। तो हम तो 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा हल ना करना पड़े इस वजह से। तो ये माइनस का वाई इक्वल कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 2 आएगा ना, तो वाई इक्वल फाइनल में माइनस 2 आएगा। मतलब अगर हम यक्स का मान 0 रख रहे हैं तो वाई का मान हमें माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और भी रख के देख लेते हैं। वाई का मान चलो आपकी 0 रख देते हैं, देखो क्या होता है। वाई का मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यक्स माइनस 0 बराबर 2, तो यक्स बराबर होगा 2। जब हम वाई का मान 0 रखेंगे तो ये 2 होगा। वैसे कोई भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा बनाना कोई मतलब नहीं है। तो ये लो, ये है ओरिजिन जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है बच्चा वाई एक्सिस, और ये है यक्स डैश एक्सिस। ये वाई डैश एक्सिस मतलब अक्ष होता है हिंदी में, ठीक है। तो हमें केवल 2 तक ही ज़रूरत है, इसलिए हम केवल 2, 3 तक ही गिनती लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। -1, -2, -1, -2 यहाँ 3 लिख दिए हैं, किसी को मुसीबत हो रही होगी, चलो कुल 2 ही 2। अब देखो पहला बिंदु है हमारा 0, क्या होगा, 0, -2, क्योंकि यक्स 0 है, वाई क्या है, -2 है। तो यक्स 0 है, इधर किसी भी तरफ को नहीं जाएगा, वाई क्या है, वाई -2 है, मतलब नीचे आएगा, नीचे मतलब यहाँ, ये यहाँ होगा,
अगला बिंदु क्या बनेगा हमारा, वाई पे जीरो है भैया, एक्स पे दो है, क्या है एक्स पे दो है, एक्स पे दो वाई पे जीरो है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, एक भी पॉइंट नहीं जा रहा, कहीं खिसक नहीं रहा है, तो क्या होगा, बस हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, इसका ग्राफ खींचोगे एकदम सीधा ऐसे जाएगा, और आप चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा भी लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इसका ग्राफ बन गया। बात समझ में आई ना, अपनी बुक में उत्तरमाला मिला लो, और मैं भी आपको मिला के बता देता हूँ, ऐसे ही बना है कि नहीं देख लो पहले फटाफट, ऐसे ही बना कि नहीं बना है, अरे कमेंट करके बताओ यार, शर्माओ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नाम बोलने से टाइम वेस्ट होता है, बन गया ना, बात समझ में आ गई, जल्दी से छाप लो। देखो हमने दो तो करवा दिए और दो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों को आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश करोगे तब सब कुछ होने वाला है, तो इन दोनों सवालों को आप खुद से ट्राई करना बच्चा लोग, ठीक है, इनका ग्राफ बनाना, आलेख बनाना, क्योंकि अगर मैं सब कर दूंगा ना तो आप गधा बन जाओगे, खच्चर बन जाओगे, आप कोशिश नहीं करोगे, इसलिए मैंने दो बताया है, आप खुद से ट्राई करो, अगर तैरना सीखना है नदी में तो कभी कभी डूबना भी पड़ेगा एक आध बार, लेकिन हाँ डूबना नहीं, नहीं तो बह जाओगे, आजकल बहुत तेज बाढ़ आई है बिहार में, यूपी में भी, हर जगह नदियाँ उफान पे हैं, तो इस समय नहीं डूबना, तैरना सीखना जाता है जब नदियों में पानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ध्यान से देखना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, कारण भी बताओ। तो भैया बहुत आसान है, ये पॉइंट दिए गए हैं 2,14, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। अभी तक आपने देखा था जब समीकरण दिए होते थे तो हम उसमें से x और y में से कोई एक मान रख करके और बिंदु निकालते थे, बोलो निकालते थे ना, निकालते थे, तो इसमें क्या है, बिंदु दिया, समीकरण लिखना है, तो भैया इसका जो समीकरण हो जाएगा आप ऐसे लिख सकते हो हल में, पहले लिखो बिंदु 2,14 दिया है, तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई हम कर दें, अगर x प्लस वाई, जहाँ पर x का मान 2 है, y का मान कितना है 14 है, यानी 14 है, तो 2 और 14 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण, वैसे उत्तर आपका हो गया, आप चाहो तो कोई और भी समीकरण लिख सकते हो, अनंत समीकरण लिख सकते हो, अनंत कैसे, देखो ये x और y ना, ये x है ये y है, हम मान लो इस पर आधारित और भी समीकरण कैसे बनाएंगे, मान लो हमने एक समीकरण लिख दिया 2x प्लस y इक्वल कितना होगा, सोचो x की वैल्यू 2 है तो बच्चा ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ोगे किसको, 4 को किस में जोड़ोगे 14 में, तो ये 18 आएगा, ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह से आप x का मान 0 रखो तो क्या होगा, समीकरण बनेगा क्या, 0 कैसे रखोगे जी, x का मान आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, इसी के लिए समीकरण पूछ रहा है, किसी और के लिए नहीं पूछ रहा है, तो x और y के मान आप नहीं चेंज कर सकते हो, कतई नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज इट, इंग्लिश में सीखो, ओके ठीक है, ये हो गया ना। हाँ एक काम आप कर सकते हो, अगर आपका मन है तो इसका आप तीसरा समीकरण ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, सोचो 2-14 करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 2-14, माइनस में 12 आएगा ना, तो ये माइनस का 12, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, एक और लिख लो, एक समीकरण 3x-y हो सकता है, 3x मतलब 3 × 6, भाई देखो सीधी सी बात है, x की जगह पे 2 रख लो, y की जगह पे 14 रख लो, तो x की जगह पे 2 रखोगे 3 × 6 हो जाएगा, 6-14 घटाओगे उल्टा, 14 × 6 जाएगा 8 आएगा, माइनस का कितना आएगा 8, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरे सवाल का जवाब मिल गया ना, मिल गया ना, यानी ये समीकरण पूछा था, दो रेखा बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भैया दो रेखा के बदले मैंने 4 रेखा के समीकरण लिख दिए हैं, और इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्यों, क्योंकि कह रहा बिंदु, बिंदु नहीं बोलना नहीं तो मार पड़ जाएगी, बिंदु बोलना ठीक है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस तरह से कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो भैया एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं,
जैसे मैंने इस बिंदु से होकर ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये 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 ऐसे ऐसे खींचते हो ना 50 बार, बात समझ गए। तो ये था इसका आंसर। आपको फिलहाल अपने एग्जाम में या फिर नोटबुक में केवल 2 ही लिखना है। अगर आप 4 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, अगर वो समझदार टीचर है तो। अगर वैसे ही है तो फिर भगवान भरोसे है, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे? 2 बिंदु, मतलब जो दिया गया है एक ही बिंदु दिया यार। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के 2 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 16 और 2x प्लस वाई बराबर 18 हैं। इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं। नीचे ये चित्र बना देना जो मैंने रेखा वाला खींचा है चारों तरफ खचर पचर करके, इसको ऐसे खींच देना, समझ जाएंगे समझने वाले क्या है इसका मतलब। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, लेकिन उसके पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना सुन लो आप लोग। 16 अगस्त से मैंने कहा था कि भैया आपकी क्लास PBR स्टडी क्लास 9th एंड 10th चैनल पर चलेगी। आप YouTube पर सर्च करोगे लिख करके PBR स्टडी क्लास 9th एंड 10th, इतना लिख के सर्च करना, चैनल मिल जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको अगर आप बड़े चैनल पे इसको देख रहे हो, हमारे नंबर 1 चैनल PBR स्टडी इलाहाबाद पर, तो नीले कलर में ये चीज़ दिखेगा, नीला दिखेगा, जैसे टच करोगे तुरंत चैनल खुल जाएगा, आपको कोई लिंक की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना कर लो, नहीं तो ऊपर नंबर दिया गया है इस पर संपर्क करना। दूसरा नंबर व्हाट्सएप का नहीं है, वो कॉल का नंबर है, ठीक है। चलें, कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो फिर a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो सिंपल सी बात है, इसको हल करना बड़ा ही हल करना आसान है, लिख लो। देखो आज मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर अभिषेक जी परेशान है, सुधांशु, स्वीटी सब हैरान है कि भाई नाम नहीं बोल रहे, मेरा नाम लो नाम लो। मैं नाम क्यों लूँ? नाम लूंगा तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाई करो। तो क्या करना है, ये भैया यक्स का मान है या वाई का मान है, जो भी बिंदु दिए होते हैं उसमें पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यक्स का मान और वाई का मान रख दो। वाई का मान 4 है, यक्स का मान 3 है, रख दो, ए का मान आ जाएगा 12 बराबर 3a + 7। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 12 - 7 = 3a, तो ये 5 = 3a। तो आप लिखोगे 5/3 = a, यानी कह सकते हो a का जो वैल्यू है वो 5/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी गया, कंप्लीट हो गया, लिख लो जल्दी से, बस ऐसे ही करना था। बात समझ में आ गई ना? ये आप देख रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स PBR स्टडी इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। साथियों आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर आपके बड़े भैया दीदी हैं क्लास 10th में 12th में 11th में पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर सबसे बड़े के भैया दीदी आपके पढ़ते हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, SSC बैंक रेलवे की, तो वो PBR स्टडी चैनल नंबर 2 सब्सक्राइब करें, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टैक्सी किराया निम्नलिखित है, टैक्सी मतलब ऑटो, टेम्पू जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, है ना, आप लोगों ने देखा है 3 पहिया वाली। एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है जिसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। कुछ इसमें बातें अनर्गल दी गई हैं जिनको आपको अनदेखा करना है। जैसे ये कह रहा कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद जो दूरी है, यानी भैया ये कितना दूरी है ये आपको मालूम है? हाँ, कुल दूरी x किलोमीटर है जिसमें से सिर्फ 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है। उसके बाद 1 किलोमीटर अगर छोड़ दें तब कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है और कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है। तो बताइए यदि कुल किराया y रुपये है तो फिर इसका एक समीकरण बनाइए, कैसे बनेगा सोचो जरा, एक मिनट के लिए सोचो। अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो बताओ जल्दी कमेंट करके। कुछ समझ में आ रहा? नेहा साहू, आदर्श, बाबूदीन, पबजी लवर, दीपक मौर्य, नेहा अग्निहोत्री, आ रहा कुछ समझ में? देखो नगर तो छोड़ दो, टैक्सी किराया सोचो, अगर ये लफड़ा ना दिया होता शुरू में 8 रुपये वाला तब आप आसानी से कर लेते। भैया कुल दूरी x किलोमीटर है और 5 रुपये प्रति किलोमीटर अगर किराया होता तो 5x हो जाता, सिंपल सी बात है ना। और कितना किराया होता? कुल y होता, यही होता ना। अगर ये 8 रुपये वाली बात ना दिया होता तो इसका समीकरण बनता कितना, बनता 5x = y।
यही तो बनता ना। लेकिन इसमें आ जाने से क्या लफड़ा है? देखो वैसे तो एक्चुअली 5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपए है। 8 रुपए का मतलब 3 रुपए ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है ना। तो भैया इसको इसी में जोड़ दो ना, 5 × 3 बस हो गई कहानी खत्म। क्या होगा समीकरण? 5x + 3 = y। बस इतना कहानी थी पूरी, आपका समीकरण आ गया। आ गया कि नहीं? मनीष यादव जी समझ में आ रहा ना? आर के रंजन आ रहा ना? चलिए तो ये हो गया समीकरण, कितना आसान है। एक बार फिर से समझ लो थोड़ी सी दौड़ भाग में कैसे। देखो किराया की एक नगर में जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपए है, उसके बाद से प्रति किलोमीटर का किराया सिर्फ 5 रुपए है। और कह रहा है ये भी कि यदि टोटल दूरी टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है और टोटल किराया मतलब रेंट जो है वो कितना है, रेंट नहीं फेयर बोलेंगे ठीक है, चूंकि बस और उसका किराया है ऑटो का, रूम का नहीं है मकान का, तो कितना है वो y रुपए है। तो इसका समीकरण बनाओ। अगर हमें ये लफड़ा ना दिया होता कि पहले किलोमीटर का 8 रुपए है, तब हम सिंपल से कर लेते ना। क्यों भैया? कुल दूरी x किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है, तो 5x हो जाता, बराबर y हो जाता। लेकिन इसमें 3 रुपए बढ़ रहा है, इसलिए 5x + 3 बराबर y हो गया, ये बन गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी है, कह रहा है इसका रैखिक समीकरण तो लिखिए, लेकिन इस यहीं तक इसकी कहानी खत्म नहीं है, इसके आगे कह रहा है उसका आलेख भी खींचिए। मतलब इस समीकरण का आलेख खींचना है, खींच लोगे कि नहीं? अरे वो ग्राफ जो मैंने बताया था, चलो खींच के दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं, यानी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो पहले हम उन अक्षों को फाइंड करेंगे जो इस समीकरण को प्रदर्शित करेंगे, कहां पर? चतुर्थांश में। तो चलिए देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आप इस समय दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो छात्रों सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे ऐसे, जिसमें मानों को रखोगे। जरा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, समझने की कोशिश करना। कुछ स्टूडेंट फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चूँकि आज ये लाइव इसी फ़ोन से ही चल रहा है भैया, तो मैं इनको साइलेंट कर देता हूँ जिससे ये किनारे रहे, नहीं तो ये परेशान करेंगे ये सब। हाँ अब देखो, यहाँ यक्स के मान आप अलग अलग रखोगे, वाई के मान अलग अलग आएंगे ठीक है। अब चलो यदि यक्स बराबर 0 रखें तो कितना आएगा वाई का मान, रख के जल्दी से बताओ। मैंने पिछली क्लास में सब बहुत अच्छे से बता दिया है, यदि यक्स का मान रखें 0 तो वाई का मान क्या आएगा, देखो इसमें रख के देख लो, 5 × 0 + 3 = कितना वाई, रख लो भैया ये 0 हो जाएगा + 3 = y, यानी 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं, वाई का मान कितना आएगा 3 आएगा ना, देखो ये कितना आया 3। अब किसी भी समीकरण को चतुर्थांश में या फिर उसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड होने चाहिए, कम से कम 2, तभी आप उसका ग्राफ खींच सकते हो। कृष्णा मोहन बिल्कुल राइट। अब देखो इधर एक हो गया ये, तो भैया इसके लिए पहले मैं इसको पूरा बना लेता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4 −1, −2, −3, −4, −5, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ग्राफ बनाना है ना, 1, 2, 3, 4 जितना ज़रूरत होगी उतना नंबर आप लिख लेना अपने से, −1, −2, −3, −4। अब पहले हम कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। चलिए अब इसी समीकरण में x बराबर तो 0 रख लिया हमने, अब y बराबर 0 रख लो, मतलब इससे छोटा रहे, y का मान 0 रखो, x का मान क्या आएगा जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे कुछ आप भी तो करो ना, मैं सब कर दूंगा छाप लोगे तो क्या मतलब है, ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ट्राई करिए। योगेश कुमार, साहेब कुमार, मनीष, सुधांशु, आकृति, अरे कुछ तो करो ना यार, आप लोग भी तो कुछ करो, नहीं तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है। 3/5 आएगा, अच्छा 0 रखने को बोल रहा हूँ भैया 0, तो ये 5x + 3 = 0,
तो ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर -3 और ये बटा 5, -3/5 आएगा, निगेटिव आएगा, ध्यान देना माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा ना। अब देखो ये दोनों का हमें क्या करना, समीकरण पे दिखाना है। अब आप कहोगे यार ये 3/5 माइनस में कहाँ है इसमें, तो चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। भाग दे लो 5 से, 0.05 मतलब -0.6 लगभग होगा, कितना होगा -0.6, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें दिखाना है 0.3, ये 0.3 कहाँ होगा, चलो ढूंढते हैं बत्ती लेकर के भैया, इसमें 0 कहाँ है। सबसे पहले तो आप जानते हो ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, यहीं से सारी उत्पत्ति होती है। हाँ 0.3 का मतलब ये हुआ कि यक्स पे आपको 0 चलना है, मतलब कहीं भी नहीं जाना, उसी पर रहना है, और वाई पर 3 बढ़ना है प्लस में, तो वाई में प्लस में मतलब ऊपर को जाना है, और यक्स में तो एक भी कहीं बढ़ेगा नहीं, यानी ये 0.3 है वो कहाँ होगा, यहीं पे होगा, होगा कि नहीं, वहीं होगा ना, क्योंकि यक्स वाला जो है ये तो कहीं बढ़ेगा नहीं, हाँ यहीं पे ही रहेगा, और वाई वाला जो है 3 तक जाएगा, तो ये सीधा सीधा यहीं पे बनेगा, यही सीधा है, लेकिन हमें समीकरण बनाना है, है ना। देखो सर आप ही ने तो कहा था, चलिए ठीक है, अब आगे देखो 0.6, आप ये सोचो कि 0.6 किसके बीच में होगा, भैया अगर माइनस हटा दे तो ये है 6, 0.6 इसका मतलब है 60 पैसा, 60 पैसा कितना, 1 रुपये से कम है ना, 1 रुपये से कम है ना, इसका मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा कहीं, कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, आप ट्राई करके बताओ कहाँ होगा, चलो जल्दी करो सभी, 0 और 1 के बीच में ट्राई करो और बताओ कहाँ पे होगा, जल्दी करो फटाफट, और लिखते जाओ इसको, बनाते जाओ, तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ उमझ में नहीं आएगा, ठीक ना, जल्दी करिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये भी इसी में ही कहीं होगा, बाकी कहीं दूर नहीं जाएगा, ये जस्ट इसी में ही होगा, एकदम आप अगर कोशिश करोगे ईमानदारी से तो तुरंत मिलने वाला है। देखो मान लो इसे हम 10 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, डाट डाट डाट, बहुत छोटा छोटा पार्ट बनेगा ना, तो भैया मान लो ये 0.6 कहीं यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.0-3/5, ये क्या है 0-3/5, ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, जो समीकरण बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे देखो सीधा खींचना इसको, टेढ़ाने ना पाए, बाकी मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ हाथ से ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये था किसका ग्राफ, जो समीकरण हमें मिला था भैया 5x+3=y, इसका ये आलेख है, क्लास 9th का पढ़ रहे हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 0 लेवल से जिनको पढ़ना है, ये सब नहीं आता कैसे क्या हुआ, तो वो सुबह 5 बजे से वीडियो आ जाता है, उसको देखते रहें। एक खुशखबरी आपको बता दें, PBR स्टडी चैनल नंबर 2 पर सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर की क्लास 25 अगस्त से शुरू हो रही है, और टीचर से बात हो गई है, UPSI SSC के लिए आपकी मैथमेटिक्स की कंपटीशन वाली क्लास भी होने वाली है, PBR स्टडी चैनल नंबर 2 पर ये सारी क्लास चलेंगी, ठीक है। PBR स्टडी 2.0 यूट्यूब पर सर्च करके आप फटाफट देख लेना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। उसके बाद यार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा है, देखो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसी वजह से हम लाइव नहीं देते आपको, वीडियो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा एक बात बता दो आप लोग, क्या आप क्वेश्चन अगर आपको ना लिखा जाए, बोला जाए अगर, तो आप लिख लोगे, हाँ या नहीं? अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल दूँ और बोर्ड में ना लिखूँ तब समझ पाओगे? अभी कुछ तो हाँ बोलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अच्छा नहीं रहता है, आप लोग कहोगे यार समझ में नहीं आया ना, तो इसलिए ये क्लास शाम को लाइव नहीं होती 7 बजे, लेकिन आपको 7 बजे एक आपको प्रीमियर क्लास जरूर मिलती होगी, आप देखते होंगे, है ना, हो जाएगा क्या, सब चाहते हैं, अगर हम क्वेश्चन बोल दें तो कर लोगे, ठीक है।
अच्छा ठीक है, तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो आप लोग रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने समझा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि भैया प्रोजेक्टर के जुगाड़ में हैं, जल्दी ही हम कुछ डिजिटल सिस्टम बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लगता है यार। क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, जिनके पास बुक है बहुत ध्यान से सुनो, NCERT बुक है क्लास 9th की, जिनके पास बुक नहीं ना वो बैठ के थोपड़ा देखें इसे, हाँ बोलेंगे नहीं कुछ, चुपचाप देखेंगे। पहले जिनको बुक नहीं लेके आते थे ना स्कूल में, हमारे टीचर लोग उनको मुर्गा बनवाते थे, तब तक जब तक सब लोग सवाल लिखते थे तब तक वो मुर्गा बनने, उसके बाद जब सब लिख लेते थे वो भी आके बैठते थे। वही करवाएंगे कल से हम भी, अगर आप लोग बुक नहीं लाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से समीकरण का चयन कीजिए। अब इन आलेखों में जो समीकरण दिए गए हैं, ध्यान दीजिए NCERT बुक है आपकी, वैसे दिख नहीं रहा होगा इसमें, इसमें से आपको कौन सा समीकरण इस पे फिट बैठेगा वो दिखाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये जो पहली मंडली है इधर साइड में, इसको लिखो आप लोग, जो बुक लिए उनको अच्छा पल्ले पड़ेगा। पहली तरफ जो आलेख बना है वो है भैया वाई बराबर एक्स, रुके रहो यार काहे भाग रहे हो। दूसरा समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, इसको लिखते जाओ लेकिन खाली याद बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। वाई इक्वल टू एक्स ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखो इसमें कौन सा सही है किस ग्राफ के लिए, उसको दिखाना है, ध्यान देना। 2 + 3y बराबर 7, 2 + 3y बराबर क्या है भैया 7x। ओके तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा समीकरण, कौन सा समीकरण सही है कौन सा नहीं सही है। हाँ, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण चुनिए। अलग अलग आकृति के लिए दिया गया है। अब इधर जो ये आलेख दिया गया है इसको भी आप ड्रा करो फटाफट, मैं तो खींच रहा हूँ, आप लिखो या ना लिखो। चलो तो भैया लोग इसमें नंबर ऐसे हैं 1, 2, 3, ये सब में रहता है ऐसे ही, नीचे माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है ना। ईमानदारी से देखोगे समझ में आएगा, 9th में पढ़ते हो तो बहुत ज़रूरी है, अगर लगी है किसी को तो चला जाए जल्दी से। हाँ इतना हो गया। अब इसमें क्या है, ये है मूल बिंदु, क्या है ये ओरिजिन है, मूल बिंदु ये 0, 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। इसमें जो समीकरण दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है, मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ध्यान देना। समीकरण जो दिया गया है यार, ये 1 से होते हुए जा रहा है और ऊपर -1 के साथ, यार ये कहाँ बज रहा है, बंद करिए महेंद्र। तो ये समीकरण ऐसे दिया, आप बुक में फिलहाल देख लेना, अपने आपके पास बुक है ना, बुक में देख लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, देख लो बुक में। ये आपका दिया है समीकरण जो 1 -1, 1, हाँ तो -1 मतलब ये सीधा यहाँ जाएगा, 1 मतलब यहाँ, यहाँ -1, 1 है, क्या है -1, 1 आपके बुक में दिया है 9th वालों, ध्यान से देखना। नीचे भैया ये कहाँ तक गया है मालूम है आपको, 1, -1 मतलब ये x पे 1, ये और y पे -1 मतलब ये, ठीक है। तो ये जो है आ करके कहाँ मिलना चाहिए, सीधा सीधा उसी पे जाके मिलना चाहिए। ये समीकरण थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर ऐसे जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं पे जाके मिलना चाहिए, वैसे ही गया हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 1, -1। अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, कुछ लगाया नहीं हूँ, ये ओनली क्वेश्चन है। अब देखो इसमें चारों समीकरण से ये ग्राफ किस समीकरण का है ये बताना है, समझ में आई बात,
ग्राफ कैसे खींचते हैं ये मैं पिछली दो क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब आपको उत्तर दिया है, ये बताना है कि इनमें से किसका उत्तर है ये। चलो रेडी, फाइव चिकन थर्ड फोर में से किसका आंसर है? चलो कोई बताए, एनीवन, कोई बताए। चलो मैं चेक करता हूँ एक एक। इनके जो मूल जो इनके बिंदु दिए गए हैं भैया, वो क्या दिए गए हैं? कोऑर्डिनेट जो है माइनस वन कामा वन, और एक दिया गया वन कामा माइनस वन। यही दिया गया ना, यही दिया गया ना। अब ध्यान दो, अगर हम इसका देखें निकालें तो क्या होगा? अगर इसमें हम यक्स का मान माइनस वन रख दें तो क्या आएगा? वाई का मान माइनस वन आएगा, आएगा ना। सोचो अगर इसमें हम यक्स की जगह पे, चूंकि यहां माइनस वन दिया है, देखो यहां भी दिया था, तो अगर माइनस वन रखोगे बच्चा तो ये वाई का भी क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। यानी दोनों बराबर है तो माइनस वन आएगा, लेकिन इसमें कोई भी मान माइनस वन में दोनों में नहीं है। देखो एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों माइनस है किसी में? बोलो है, दिख तो रहा ना, दोनों माइनस है किसी में नहीं है, बुक में देख लो। इसका मतलब ये समीकरण गलत है, इसका किसी से भी मैच नहीं खा रहा आंसर, इसका जो बिंदु आ रहा अलग आ रहा एकदम, दोनों माइनस आ रहा ना। चलो दूसरे में ट्राई करते हैं, चूंकि हमें बिंदु दिए गए हैं, ये निर्देशांक दिए गए, हमें रख के ट्राई करना है। दूसरे में ट्राई करते हैं, पहला गलत है, हम मिटा भी दे रहे हैं, इसका काम खत्म, पहला गलत है। दूसरे में देखो एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, अब हमें दी गई है यक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू प्लस में वन आनी चाहिए, तो यक्स का वैल्यू माइनस वन रखो इसमें, तो माइनस वन प्लस वाई इक्वल जीरो, यानी वाई अगर यहां से निकालोगे तो बच्चा ये वन आएगा, यानी यक्स का माइनस वन रख रहे हैं तो वाई का क्या आ रहा? प्लस वन आ रहा है, आ रहा ना, माइनस वन प्लस वन, इसका मतलब भीड़ गया टाका, हो गया सही ना, यानी ये सही है। ये क्या है? सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यार जब माइनस वन यक्स का रख रहे हैं तो वाई का प्लस वन आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही था। कुछ लोगों के मन में चहलकदमी मची होगी, क्या तीसरा भी सही है का? चलो तीसरा भी देख लो फिर, कहा इसमें कौन सी बड़ी देर है, तीसरा भी देख लो, सब मैं दिखा दे रहा हूं, देखो तीसरा भी देख लो, ये सही था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, काम खत्म हो गया इसका, आप लोग नोट कर लो। हाँ अगर नहीं समझ में आएगा जो मैं मिटा दिया हूं तो वीडियो बैक कर लेना, ऐसे दो तीन बार टैप करके वीडियो पीछे चला जाएगा, आपको मिटाई गई चीजें फिर से दिखने लगेंगी। समझ में आया ना तरीका? समझो, दो तीन बार स्क्रीन पर टच करोगे, किधर साइड में? अपने स्क्रीन पे इधर साइड में, बाएं साइड में, तीन चार बार टच करोगे पीछे हो जाएगा। चलो इसमें यक्स का मान माइनस वन रखो, यक्स का मान माइनस वन जब रखोगे भैया तो वाई का मान माइनस दो आएगा, वाई का मान क्या आएगा? माइनस दो। तो माइनस वन कामा माइनस दो कोई बिंदु था क्या इसमें? माइनस वन कामा माइनस टू था कुछ? बोलो था कहीं? नहीं था ना, था नहीं था ना, इसका मतलब ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, चौथा में रखोगे ये भी नहीं सही है, यानी दूसरा सही था। समझ में आ गई ना बात? तो ये आलेख अगर खींचना आप सीखे हो तब आपके लिए आसान है, और अगर आपने नहीं सीखा था तो आपके लिए बड़ा खट्टा लगेगा, ये मजा नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। अब इसमें का एक और भी है, उसको भी देख लो, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इन वन, सॉरी वन नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये अध्याय है, जिनको कॉन्सेप्ट सीखना उनके लिए तो बड़ा ये रामबाण है, ठीक। समझ में आ रहा ना राधे श्याम जी? समझ में आ रहा ना? चलो अब अगला देखो, बहुत ध्यान से समझना। हाँ ये पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक 9th में 89 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अगर आप लोग बिना क्वेश्चन लिखे समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तब तो हम बड़े खुशी से पढ़ाऊंगा, एक दिन में कई क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन लिखने में बड़ा गड़बड़ लगता है यार, इतना बड़ा दूर लिखो उसको। चलो दूसरे के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ से जा रहा है, ध्यान दो, नीचे दो से होते हुए जा रहा है, दो कामा जीरो है, ऊपर माइनस वन कामा तीन है, मतलब तीन ही यहाँ कहूँ है, माइनस वन का मतलब ऐसे, यानी यहाँ है, यहाँ माइनस वन कामा तीन है, और ये कहाँ से जा रहा है भैया? दो से, दो कामा जीरो, यहाँ दो कामा जीरो है, ये समीकरण है, ध्यान दो,
कहाँ से जाएगा ये लंदन से होते हुए जाएगा इसे, लेकिन मैं तो गड़बड़ कर दिया यार, सीधा जाना चाहिए भैया। ये ध्यान दो, आपके बुक में बना है पेज नंबर 89 एनसीईआरटी बुक में ये बना है, ये गया। हाँ आप ध्यान देना, ये जो आलेख है, जो ग्राफ है, वो दिखाए गए किस समीकरण का उत्तर है आपको ये बताना है, और वो समीकरण फटाफट नोट करो, 5G की स्पीड में लिखो। चलो पहला समीकरण है y इक्वल एक्स प्लस टू, एक एक ट्राई करना है। चलो मैं ट्राई कर लेता हूं, तब सब लिखूं क्या, एक एक ट्राई करो, दूसरा भी लिखूं y इक्वल एक्स माइनस टू, y इक्वल एक्स माइनस टू। चलिए दो पे ट्राई कर लेते हैं, तब बाकी दो ऑप्शन बाद में लिखेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना, दो पे ट्राई कर लेते हैं। ध्यान दो, देखो कोई भी एक बिंदु रख के ट्राई कर लो, 2,0। अब देखो अगर x का मान 2 रखोगे तो क्या y का मान 0 आ रहा है, अगर आ रहा जिस समीकरण में वो समीकरण सही है, तो चलो x का मान इसमें 2 रखो। तो बच्चा लोग जब x का मान इसमें 2 रखोगे तो y का मान जो है 0 नहीं आएगा बल्कि 4 आएगा, कितना आएगा, y का मान 0 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक 2,0 है, x का मान 2, y का 0, लेकिन जब हम 2 रख रहे हैं x पे तो ये 4 आ जा रहा, इसका मतलब ये समीकरण गलत है, ये दिया गया आलेख इस समीकरण का नहीं है, दिया गया ये ग्राफ इस समीकरण का नहीं है, ठीक। रवीश कुमार आ रहा समझ में ना, आप लोग बुक लियो कि नहीं यार, बुक लेके बैठा करो, क्लास 9th की शाम को 7 बजे रोज क्लास चलती है, मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ हर दिन, आज पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मैं लाइव में आता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता हूँ, बाकी आपको कमेंट लिख कर रिप्लाई मिलता होगा, हाँ तो चाहे जैसे भी आपको मिले लेकिन समझ में आने की गारंटी होगी, समझ में आ रहा मिस्टर कृष्णा रवीश। दूसरे पे देखते हैं, यक्स का मान 2 रखो, देखो वाई का मान 0 आ रहा है, अगर आ रहा तो सही है, यक्स का मान क्या रखो, 2 रखो, तो बच्चा लोग आप देखो वाई का मान 0 आ गया ना, इसका मतलब काम बन गया, अब तीसरा चौथा जाए भैंस चराने उससे कोई मतलब नहीं है, ये सही है, यानी कि आपका जो ये ग्राफ बना है ये समीकरण y इक्वल एक्स माइनस टू का है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस टू का है, या फिर देखो अलग अलग समीकरण है, इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, ये भी वही है, नीचे वाला जो है ये भी वही है, या फिर x माइनस वाई इक्वल दो, ये भी वही है, उन समीकरणों का अलग अलग रूप है, बस समझ गए ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो गया है। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 और सवाल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कौन सा है, 6वां। देखो कहानी नुमा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत ही आसान है। कह रहा कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य पिंड द्वारा तय दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। एक अचर बल लगाने पर, पहला नंबर तो आपको बल, दूरी, चाल के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो बताना, कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा ये सब होता क्या है, कौन से जानवर का नाम है ना। आगे देखिए, कह रहा कि इस कथन को दो चरों वाले एक कथन के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या करना है, अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, क्या करना है, अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है, ठीक है। अब आप आगे समझिए क्या करना है, कैसे, एक बार और पढ़ लीजिए यहां से। कह रहा कि इस कथन को दो चरों वाले एक कथन के रूप में व्यक्त कीजिए, इस कथन को दो चरों वाले एक कथन के रूप में मतलब एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा कुछ सवाल में होगा, मतलब समझ गए ना, दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और अचर बल यफ जो है उसे नहीं बोलते अचर बल भैया, जो कंस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल करोगे तो कंस्टेंट आएगा, उसका मान दिया है 5, इसको लेकर के एक आलेख खींचना है। देखो मतलब समझो, सबसे पहले हम मानेंगे सब कुछ, इधर साइड में हम हल करेंगे ऊपर से, आप लोग नीचे तक देखिए, ध्यान से देखिए प्यार से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, लिखिए
अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि अचर बल के है, क्या है, के है यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पर एक और बात हो रही दूरी की और कार्य की भी बात हो रही ना। ये देखो दूरी के अनुकर्मानुपाती होता है, क्या अनुकर्मानुपाती होता है, जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है। तो हम यहाँ पर दोनों को मान लेंगे, लिखो माना दूरी बराबर, दूरी को मान लो कि यक्स है और कार्य को मान लो क्या है वाई है। भाई साहब अगर माने रहेंगे तभी तो होगा ना। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है ध्यान दीजिए, करा कि अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है वो दूरी के अनुकर्मानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करोगे बच्चा, प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो ना, अनुकर्मानुपाती। लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कार्य की दूरी के क्या है, अनुकर्मानुपाती है। तो अनुकर्मानुपाती का चिन्ह ऐसे बना लो आप, ये ठीक है, इसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इसमें होता क्या है पता है आपको, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट, यानी आप इसे लिख सकते हो के एक्स। क्या लिख सकते हो बच्चा, के एक्स लिख सकते हो, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है, जब ये चिन्ह हटाते हैं तो के आ जाता है। और संयोगवश हमें के का जो है वो क्या दिया है, मान दिया है। कहाँ मान दिया आप कहोगे, ये तो आपका हो गया एक प्रकार से, ये आपका इक्वेशन बन गया। लेकिन इतने में ही काम नहीं चलने वाला, नीचे और भी कुछ कह रहा था, पढ़ो। कह रहा इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने व्यक्त कर दिया, ये एक समीकरण के रूप में आ गया, लेकिन अभी इसका अगला स्टेप नहीं हुआ। अगला स्टेप में क्या है, जैसे कह रहा था कि अचर बल पांच मात्रक लेकर के जो है वो इसका आलेख खींचिए। तो ये तो मैंने दो चर वाले के जो है रूप में व्यक्त करना था, मैंने व्यक्त कर दिया, ठीक है, व्यक्त मैंने कर दिया। अब लिखिए, क्या लिखेंगे, जब अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट का मान रख देते हैं। हाँ ये भी आप कर सकते हो इसमें। अब अचर बल पांच मात्रक लेकर नीचे लिखो, अचर बल पांच मात्रक लेने पर, अचर बल जब पांच मात्रक लोगे बच्चा तो ये हो जाएगा पांच एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा पांच एक्स। ये आपका हो गया दो चर वाले समीकरण के रूप में एक समीकरण बन गया, ये आपका क्या हो गया समीकरण, इसे लिख लो, लिखो अतः समीकरण ये आ गया। अब देखिए अगला स्टेप जो कह रहा था उसको कर लेते हैं। समीकरण तो आपका आ गया था वाई बराबर पांच एक्स, ठीक है। अगला इसमें स्टेप है, कह रहा है अचर बल को पांच मात्रक लेकर के इसका आलेख खींचिए। तो भाई अचर बल को पांच मात्रक मैंने ले लिया, शून्य बटा फाइव इक्वल एक्स, यानी एक्स का वैल्यू जो है जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो। अगर वाई का मान आप इसमें पांच रख दो तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, एक्स का मान एक आ जाएगा। हल करना तो आपको इतना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है। वो कैसे आ जाएगा ये भी ले लो, वाई की जगह पांच रख दो तो ये पांच एक्स, ये पांच इधर से आएगा भाग में हो जाएगा बराबर एक्स कट जाएगा वन आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। आलेख पर आप ध्यान देना कैसे करोगे, देखो बच्चा लोग, यहाँ हमें दो मूल जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं निर्देशांक दो, एक जीरो वन है, जीरो वन है नहीं है, एक्स का एक लेते हैं एक वाई का, एक जीरो कामा जीरो मिल रहा है, एक वन कामा फाइव मिल रहा है। तो जीरो कामा जीरो तो हम सब जानते हैं मूल बिंदु पर होता है, ये जीरो कामा जीरो है, ठीक है। दूसरा निर्देशांक वन कामा फाइव है, यानी यक्स पर वन ये यहाँ पे आया, हाँ वाई पे फाइव, फाइव मतलब एक पॉइंट और आगे बढ़ेगा यहाँ कहीं होगा। तो यक्स पे वन और वाई पे फाइव का मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ कहीं होगा, समझो ये वन कामा फाइव है, ठीक ना बच्चा। और दूसरा बिंदु इसका शून्य कामा शून्य है, तो ये आप सीधा मिलाओगे ऐसे ला करके, इस पे पटक के ऐसे निकाल दोगे, ये ऊपर ऐसे निकल जाएगा और ये आपका समीकरण बन जाएगा, आलेख जो खींचने को कहा था, ठीक है। बात समझ में आई ना, नहीं समझ में आया कमेंट करना, फिर से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, जल्दी से इसको देख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना कितना आसान है, चलिए आगे चलें। अगले इसमें स्टेप पर क्या कहता है, आगे इसमें और भी कुछ कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक है, यहाँ पे मात्रक भी लिख लो, क्या है बच्चा दो मात्रक है, मीटर है सेंटीमीटर है कुछ भी है, और दूसरा ऑप्शन है कि जीरो मात्रक है, बदलना है दूरी को बार बार, मान बदलने, एक बार जीरो रखना है एक बार दो रखना है, तो किया गया कार्य भी ज्ञात करना है। चलिए
चलो भैया वो भी कर लेते हैं। हमने अभी अभी माना था, आप सबने देखा था कि दूरी को x माना था, कार्य को y माना था ना, स्टार्टिंग में देखो जाके वीडियो में, इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ तब मैं आगे करूँगा, जल्दी करो, बहुत जल्दी वीडियो करो कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो तो मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ। हो गया ना बच्चा लोग, चलो ठीक है। अब देखो इसमें का जो पहला सवाल है, दो पार्ट है ना इसमें, दोनों में से पहला देखो, तो क्या ज्ञात करना है हमें, कार्य ज्ञात करना है। हमने कार्य को y माना था, दूरी को x माना था, समीकरण हमारा 5x है, तो बच्चा इसमें हम दो रखेंगे किसका मान, दूरी यानी x का मान, तो फाइनल में ये आ जाएगा कार्य क्या आ जाएगा, 10 मात्रक। मात्रक का मतलब ये है इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, हाँ मीटर लगा सकते हो, सेंटीमीटर लगा सकते हो, किलोमीटर भी लगा सकते हो, ठीक है कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन किलोग्राम मत लगाना क्योंकि दूरी है तो किलोग्राम में नहीं होगी ना। दूसरा स्टेप इसमें क्या कह रहा है वो भी कर लो, कह रहा है कि यदि जीरो रख दो तब क्या होगा भैया, इसका मान जीरो रखोगे तो कार्य वो जीरो हो जाएगा। ये आपका फाइनल में हो गया, जो जो कहा था मैंने सब कुछ निकाल दिया, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और आप फिर से देखिए, ठीक है, तो जल्दी करिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पे देखने को पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और हमारे साथ बने रहें। अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को तो नहीं आप बल्कि फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करेंगे। और अगर आपने PVR स्टडी ऐप में कोर्स नहीं लिया है तो आप PVR स्टडी ऐप आज ही डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको पूरा क्लास अच्छे से और अच्छे ढंग से मिल जाए। अब देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। तो 7वां नंबर मैं बुक लिया हूँ, NCERT बुक अगर आपके पास है, कक्षा 9 की NCERT मैथ की बुक, तो पेज नंबर 89, नहीं तो आप एक्सरसाइज खोल लो, पेज नंबर नहीं मिलेगा तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 कर, राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है या संतुष्ट करता हो, आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये भी मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं जैसे कहा है, ध्यान से आप लोग समझ गए हो, बुक आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके सवाल को फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए। आप लिखिए माना यामिनी द्वारा दिया गया दान, यामिनी द्वारा दिया गया दान बराबर x रुपया, नीचे लिखो फातिमा द्वारा दिया गया दान, फातिमा द्वारा दिया दान बराबर y रुपया, क्योंकि आपके किताब में भी कहा है कि मान लो ये भी कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 100 रुपया का दान किया, कितना का किया बच्चा, 100 रुपये का दान किया, तो हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 100 रुपया, ठीक है। कह रहा था कि इस समीकरण इन आंकड़ों को प्रयोग करके एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो मैंने ये समीकरण लिख दिया, आप इन्हें नोट कर सकते हो, ये आपका हो गया समीकरण, इतना तक हो गया। आगे कह रहा है कि जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, इस समीकरण का आलेख खींचिए, इन आंकड़ों को संतुष्ट करने वाला आलेख खींचने का मतलब है कि हमें इनको अब हल भी करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y के अलग अलग बिंदु निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, फिर उनको हम एक आलेख के रूप में व्यक्त करेंगे। लिखो यदि x बराबर 0 तो y का अलग अलग मान निकालो, x का मान 0 रखोगे बच्चा तो y का मान 100 आएगा, यानी एक बिंदु हमें मिल जाएगा 0, 100, ठीक है। इसमें y का कोई एक मान रख लो, x का मान 100 आएगा, यानी 100, 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस तरह का आलेख खींचना हमारे लिए आसान होगा, बाकी आप कुछ भी मान मान सकते हो, यहाँ पे x का मान 5 रख दो, y का मान 105 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, 95 आ जाएगा, लेकिन फिर आंकड़ा बनाओगे थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, हाँ 100 मानोगे थोड़ा सा एक सिस्टम में रहेगा, आप 10-10 के पार्ट में उसे आराम से तोड़ के लिख सकते हो। तो चलिए हमारे जो बिंदु थे वो मिल गए हैं 100, 0 एंड 0, 100। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें सिर्फ और सिर्फ दिखा देना है, किस पे, वही आलेख पे दिखा देना है, चतुर्थांश वाले में। चलिए आलेख के लिए आप रेडी हो जाओ बच्चा, चलो फटाफट बना लो, जल्दी करो देर मत करो, ठीक है, सभी रेडी है ना,
तो मैं खींच सकता हूँ आलेख? हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये लो मैंने खींच दिया, मैंने खींच दिया। अगर आपने कहा तो ये मैंने आलेख खींच दिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, यहाँ पे 100 है तो हम क्या गिनती 1 से 100 तक लिखेंगे? बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आएगा नहीं इसमें। हम इसमें काम करते हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं, 20-20 में। देखो 20, 40, 80, 20, 25, 100 है ना, कितना आसान। 20-20 में तोड़ दो नीचे, 20 -40 -60 -80 और ये -100। मतलब समझो कहने का क्या है, यहाँ पे इधर साइड में बढ़े -20 -40 -60 -80 -100, इधर बढ़ो 20 40 60 80 100। अब देखो क्या कहानी है, ध्यान से समझो। हमें कह रहा कि 0, 100 हमें दिखाना है, x पे 0, y पे 100। तो बच्चा अगर हम x पे 0 चलें, भाई 0 कहीं भी जाओगे तो इसी पे रहेगा, किसी तरफ नहीं बढ़ेगा। y पे 100 बोल रहा है, यानी y पे 100 मतलब ये, यानी हमारा जो बिंदु है वो यही है जहाँ मैंने काला कर दिया, यही वो बिंदु क्या है बच्चा, ये 0, 100 है। आगे देखो कह रहा है एक्वा वाले में 100, 0, x का मान 100, y का मान 0। तो x पे हम 100 चलेंगे बच्चा, ये है 100, y का मान 0 का मतलब उसी लाइन पे रहेगा, एक भी पॉइंट बढ़ेगा नहीं। तो ये हमारा ये बिंदु हो गया, क्या कहते हैं इसे, 100, 0, और ये हो गया 0, 100। आलेख खींचना था यहाँ से होता हुआ, एक ऐसे खींच दो रेखा, बस हो गया। ये क्या है, ये आलेख है किसका, x + y = 100। देखो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है हमेशा एकदम सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है। लिख लो, इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हो चुका है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो निसंकोच आप उसे हमें बता सकते हो कमेंट करके, हम आपको उसे क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, बहुत फास्ट करिए, बिल्कुल देर मत करिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लो बच्चा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला चलिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान को, यानी कि टेम्परेचर को फारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत में इसे डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। आपने गर्मी में सुना होगा अधिकांश की गर्मी जो है वो 56 पार पड़ रही है, पारा जो है 45 पार चला गया, 48 पार चला गया। ठंडियों में आपने देखा होगा कि पारा लुढ़क गया, भैया ठंडी बहुत तेज़ बढ़ गई, पारा जो है 5 डिग्री पहुँच गया, 7 डिग्री पहुँच गया। ये क्या है, मतलब पारा का मतलब क्या है, वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमारे यहाँ नापते ना, वही चीज़। तो देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, सवाल देखिए ध्यान से। अगर आपके पास कक्षा 9 की NCERT बुक है तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कह रहा कि यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, और उसके बाद में इसमें आपके से 5 पूछे गए हैं। पहला सवाल है, डिग्री कह रहा सेल्सियस को x अक्ष और फारेनहाइट को अगर y अक्ष माना जाए तो ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। समझो फिर से, सेल्सियस को x अक्ष मानने को बोल रहा है, फारेनहाइट को y अक्ष मानने को बोल रहा है, और फिर उसके बाद इसका एक जो समीकरण है आलेख खींचने को कहा गया है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ समीकरण क्या है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समीकरण दिया है F = 9/5C + 32, और ये मैंने बना लिया जहाँ पे हमें इसका खींचना है स्ट्रक्चर, मतलब आलेख। अब ध्यान दो बच्चा लोग, हमें यहाँ से पहले निर्देशांक ज्ञात करना होगा, किसका मतलब F और C का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें जो खींचना है फॉरेनहाइट और सेल्सियस के आधार पर खींचना है। तो हमको सबको पता है कि हम एक ऐसे वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें से हम F और C के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। ये लो ठीक है, 2 कम से कम आने चाहिए मिनिमम, अगर हमें ग्राफ खींचना है तो इसमें अगर हम C का कुछ ऐसा मान रखें जिससे ये कट जाए, आसानी से हल हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो मान लो कि हमने इसमें पहले लिखा कि C बराबर 0 लेने पर या 0 रखने पर, हम इसमें C का मान 28 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, लेकिन फिर बहुत बड़ा हल हो जाएगा। आसान हो इसलिए हम पहले 0 मानेंगे, तो बच्चा F का मान क्या आ जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा +32, यानी F का वैल्यू जो है वो 32 आ जाएगा। आपको पता है अगर C को हमने 0 लिया तो F का मान 32 आ गया, 32 आ गया।
सबसे आसान तरीका है कि दोबारा आप यफ का मान 5 मान लो। क्या मान ले? 5। अगर हम 5 मान लेंगे तब क्या होगा पता है आपको? चलो यफ का मान अगर हम सी का मान 5 रखने पर, चलो चलो फट से करो। तो बच्चा अगर हम सी का मान 5 रखेंगे यहाँ पर, तो यफ इक्वल 9/5 इंटू सी का मान 5 और प्लस 32। इस तरह से हल करोगे तो ये कट जाएगा, तो यफ का मान 41 आएगा। यानी अगर इसका मान 5 रखें तो ये कितना आएगा बच्चा? 41 आएगा। आपके दो निर्देशांक मिल गए, एक 0,32 और एक मिल गया 5,41। बोलो मिल गया कि नहीं? अब 0,32 और 5,41 को हमें इस पे आलेख बना देना है बस। है ना कितना आसान, बड़ा मज़ेदार है ना बच्चा लोग? चलो 0,32 एक्स पे, 0 का मतलब है यहीं पे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 32 मतलब वाई पे 32। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 यहाँ पे है, तो 32 जो है 35 और इसके दोनों के बीच में होगा बच्चा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं 0,32 है, ठीक है। 5,41 मतलब यक्स पे 5, वाई पे 41। तो यक्स पे 5 चलेंगे यहाँ आ जाएंगे, वाई पे 41 का मतलब ये ऐसे ऊपर जाएगा बच्चा। 40 यहाँ है तो 41 यहीं कहीं होगा हल्का में, हाँ। तो ये यहाँ कहीं बन जाएगा 5,41। इतना समझ में आया ना? हमें क्या करना था, आलेख खींचना था, तो हम इसको एफ ए दोनों बिंदु होते हुए मिला देंगे। और यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? y इक्वल 9/5c प्लस 32, वाई नहीं f। ये इसी समीकरण का क्या है, आलेख है, इसी समीकरण का ग्राफ है। बात समझ में आई ना? अगर आप ईमानदारी से समझे हो तो आप पक्का समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब ध्यान देना और समझना, इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आनंद जी, मिस्टर ध्रुव, प्रियंका, अंकिता, सुधांशु, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी क्लास मिलनी चाहिए ना बच्चा, वो ये जान लो कि भाई वीडियो को खूब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। मिस्टर प्रांजल, समझ में आ रहा ना? तो फिर ये क्लास बड़ी बड़ी होगी, लेकिन आप उसके लिए ढेर सारे बच्चे जोड़ो, पहले क्लास को शेयर करो यार, कम से कम 2,000-4,000 बच्चे तो जुड़ें। हाँ, अगला देखो, इसी में का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट था कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष मान करके हमें आलेख खींचना था, मैंने खींच दिया। दूसरा पार्ट कह रहा कि यदि तापमान को 30 डिग्री रखा जाए तो फारेनहाइट में क्या मान होगा। तापमान यानी टेम्परेचर को अगर 30 डिग्री रखा जाए तो फारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी। चलो मैं यहाँ पर निकाल के कल्ले फिर दिखा देता हूँ साइड में। दूसरा ये लो, फार्मूला यही होगा आपका 9/5c + 32। सी का मान 30 रखने को बोल रहा बच्चा, तो 9/5 × 30 और धन 32, 5×6 30, 9×6 54, 54 + 32 जोड़ दो 6 और 8। यानी यफ का मान कितना आया? 86 फारेनहाइट आया। कितना आया? 86 फारेनहाइट। यानी जब हम सेल्सियस का मान 30 रखेंगे तो फारेनहाइट कितना आएगा? 86 आएगा। अगला कह रहा है यदि तापमान 95 फारेनहाइट है, भाई इसमें थर्ड पार्ट है, कह रहा कि तापमान जो है 95 फारेनहाइट है, तो फिर हमें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फिर सेल्सियस का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं उसको भी कर देता हूँ इधर साइड में। और एक बात ध्यान देना, अगर आपने लिखा नहीं इसे ना, तो वीडियो को पीछे करके फिर से नोट करिए, और अगर लिख लिए तो ठीक है, इसे रिपीट भी करते रहिए। सिर्फ एक बार देख लेने से कुछ नहीं होगा, अगर रिपीट नहीं करोगे सब भुला जाएगा। तो फार्मूला है यही तो था? नहीं, फार्मूला था बच्चा 9/5c + 32। यफ का मान 95 दिया है। कितना दिया बाबू? 95 दिया है। तो ये 9/5 और सी प्लस 32 ऐसे रहने दो। यहाँ से हम निकालेंगे तो ये इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साइड में? ये 95 - 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 - 32। लो कर लो 95 - 32। इसके बाद क्या होगा ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ये बराबर 9/5c। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर इसको घटाओगे तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63 होगा ना।
और इधर साइड ये 9/5 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब होता है कि जब गुणा करेंगे फिर से तो पलट जाएगा, पलट जाएगा ना बच्चा। तो इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 9/5 भाग में हो जाएगा, फिर ये 5/9 बन जाएगा ना, यही तो बनेगा। 9 × 7 = 63 यानी 3 × 5 = 7 × 5 = 35 डिग्री। हम कह सकते हैं कि जब फारेनहाइट 95 है तो वहाँ पे हमारा सेल्सियस में जो आएगा 32 आएगा, 32 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो बच्चा, उसके बाद इसमें एक और पार्ट है, कह रहा है कि यदि डिग्री सेल्सियस को 0 रख दिया जाए तो फिर हमें बताओ कि फारेनहाइट में मान क्या होगा। चलो उसको भी कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को 0 रख के भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर पार्ट है इसमें का, इधर फाइट ले लो बच्चा तीसरा। चलो 0 रख लो तो एफ इक्वल हो जाएगा 9/5, सी का मान 0 रख दो प्लस 32, ये सब 0 हो जाएगा तो एफ का मान 32 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 32 आएगा अगर इसको आप 0 कर दोगे तो। इसके बाद इसमें एक और भी सवाल है, बहुत ही आसान है। कह रहा कि यदि फारेनहाइट को 0 कर दिया जाए तो क्या होगा भैया, डिग्री का मान क्या होगा। चलो इधर साइड में मैं हल कर देता हूँ। एफ की वैल्यू जो है वो 0 फुट कर दिया जाए, चलो वो भी मैं देख लेता हूँ। एफ का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो 9/5 c + 32 यानी 0 - 32 होगा बराबर 9/5 c होगा। फाइनल में वही सब होगा जो अभी तक होता आया है। आप क्या करोगे, इनका मल्टीपल करोगे, मल्टीपल करोगे ना बच्चा लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो 0 का जो है 0 ही रहेगा, हाँ तो इसे 9/5 c = 32 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। लेकिन ये माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा पहले ये बता मुझे। चलो क्लियर करो पहले, इसको हल करने का एक आसान तरीका है कि आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, 9/5 c = 32 तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आप यहाँ से सी निकाल सकते हो तो 32/ ये क्या हो जाएगा बच्चा, इधर से गुणा में जाएगा भाग में हो जाएगा, -9/5 जैसे है वैसे लिख लोगे, -9/5। देखो एक्चुअली इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, बार बार मिटाना तो पड़ेगा लेकिन आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। ये -9/5 × c हम इसे लिख सकते हैं बराबर 32। यहाँ से अगर हम c निकालेंगे तो 9/5 जो इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो ये एक बात याद रखना, जब भाग में जाता है तो चिन्ह सहित जाता है। ठीक है बच्चा, तो c बराबर ये 32, भाग का चिन्ह हटा के गुणा करोगे तो पलट जाएगा, ये ऐसे रहेगा, कट जाएगा। हाँ कट कैसे जाएगा, नहीं कटेगा ये, क्योंकि एक सम है एक विषम है, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो 32 × 9/5 हो जाएगा बच्चा, गुणा कर लो, गुणा करोगे 9 × 2 = 9, कुछ कट वट रहा है क्या, मुझे लग रहा है बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कुछ कटे वटेगा तो बताओ। 5/ ये हो जाएगा ना भाई, उल्टा हो जाएगा ना यार, 9/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा ना, पलट जाएगा ना यार। तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 116, 160/9 आएगा। फाइनल में भाग करोगे आप, भाग कर लो, 9 × 9 और 60 हो जाएगा, 963 = 8। यानी ये जो आएगा माइनस में आएगा, चूँकि ये चीज़ यहाँ माइनस में था, इसलिए फाइनल का जो आंसर आएगा एकदम फाइनल वो भी माइनस में आएगा, -17.8 °C। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें एक और भी पूछा है चौथा पार्ट में, चौथा पार्ट में एक चीज़ ये भी कह रहा है कि अगर इसमें डिग्री सेल्सियस का मान 0 रखेंगे तो फारेनहाइट का मान क्या होगा। भाई वो तीसरे में भी पूछा था, चौथे में भी वही पूछ रहा है, तो हम फिर वैसे कर देंगे। अगर आपने इसे इतना देर में नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके फिर से लिखिए। तो चलो बच्चा यहाँ पे क्या करोगे, सी का मान 0 रख दो, तो फिर से पूछा है फारेनहाइट, ये सब 0 हो जाएगा, आपको पता है 32 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा? 32 आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें लास्ट सवाल कह रहा है, लास्ट सवाल का कह रहा भाई बुक में देख लो, लास्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है, बड़ा अजीब सा है, ख़तरनाक टाइप का। क्या कहता है, कह रहा ऐसा कोई भी तापमान है जो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए
संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पर जब डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का मान बराबर आ जाए। जैसे देखो, जब यहाँ हमने सेल्सियस को जीरो माना तो फारेनहाइट 32 हो गया, यानी इतना बड़ा अंतर आया, दोनों बराबर नहीं हुआ ना। तो कह रहा, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर दुनिया में उपलब्ध है कि जब दोनों बराबर हो जाए? हाँ, बराबर हो जाएगा, ऐसा है। ऐसा है क्यों पता है? चलिए ठीक है, मान लीजिए कि वो तापमान x है। चलिए लिखिए, माना वो तापमान x है, लिख लिए। तो भैया जब अगर तापमान x हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हर जगह हम x रख देंगे जहाँ पर हम डिग्री और फारेनहाइट रखते हैं। लिखिए, माना वह तापमान बराबर x है, तो फिर क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये फॉर्मूला होता है ओरिजिनल वाला। हमने माना है कि x जो है दोनों का पद बराबर है x पे, फारेनहाइट और डिग्री दोनों बराबर है, तो हर जगह x रख दोगे, प्लस 32। इस तरह से बच्चा आपका क्या होगा, एक नया यहाँ पे जन्म होगा इस सवाल में। आप देखो तो x माइनस 32 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। या फिर आप x की वैल्यू ऐसे भी निकाल लो टेढ़ा मेढ़ा करके। चलो मैं वैसे भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, भिन्न के रूप में ये अलग है, इनको हल तो करना ही पड़ेगा, तिरछा गुणा कर दो, तो ये 9x धन 5 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 16 नीचे 5, फाइनल में गुणा करो तो 5x बराबर 9x धन 160, तो 5x माइनस 9x बराबर 160, तो माइनस का 4x बराबर 160। x बराबर निकालोगे, माइनस का 40 आएगा, कितना आएगा? माइनस 40। यानी आप ये कह सकते हो कि माइनस 40 पे फारेनहाइट और डिग्री दोनों बराबर होता है। चाहे तो आप माइनस 40 लग के देख लो और फिर मुझे बताओ कि होता कि नहीं होता है, ठीक ना, समझ गए? तो x का वैल्यू माइनस 40 रखोगे तो दोनों बराबर होगा, फारेनहाइट भी बराबर होगा, डिग्री भी बराबर होगा। वो देखो कैसे बराबर होगा बच्चा, ध्यान दो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ये फार्मूला है कन्वर्ट करने वाला। चलो हम माइनस 40 रख देते हैं, सेल्सियस का मान और फारेनहाइट आ जाएगा कि नहीं देखते हैं। ये लो, ये 40 है, 5 × 8 = 40, तो यफ इक्वल आ जाएगा 9 × 8 = 72 धन 32, घटाओगे माइनस 40। यानी हमने सेल्सियस का मान जो है माइनस 40 रखा था, फारेनहाइट भी माइनस 40 आ गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर वाले, दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि ज्यामितीय निरूपण कीजिए। बच्चा यहाँ पे ध्यान से समझो, एक चर वाले और दो चर वाले, और समीकरण तो यही है। तो एक चर के रूप में जो ज्यामितीय निरूपण करने को बोल रहा है, इसको करना तो बहुत आसान है। हाँ, एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना बहुत आसान है। कुल मिला के इनका मतलब है कि इनका आलेख खींचिए। क्या करिए? इनका आलेख खींचिए, है ना। तो y बराबर 3 का तो आलेख बहुत आराम से खींच सकते हो। ये देखो, ऐसे तो होता है ना, ये भाई चतुर्थांश तो तुम्हें पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। देखो बेटा, ये साइड भी गई, यहाँ समझो, ये होता है ना x अक्ष y अक्ष, नीचे देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये 1 2 3 4, ये होता है ना। तो y जो होता है ये लंबवत वाला होता है ना, y डैश ये होता है। हमें y बराबर 3 का क्या करना है? ज्यामितीय निरूपण करना है। ध्यान दो यहाँ पे। तो बच्चा y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा? भाई सीधी सी बात है, ये 1 2 और 3, तो y बराबर 3 यहीं पे हो जाएगा। बस इसी को बना सकते हो, ये है। ये क्या है? फर्स्ट का आंसर है। ये तो नहीं बनाना है, ये तो मैं समझाने के लिए दिया हूँ, ठीक है। चुन्नी का मर्द भाई, ये फालतू का नाम से जो आ रहा ना, इन लोगों को ब्लॉक कर दो, तो समझ रहे हो ना।
देखो फालतू कोई किसी का नाम से नाम बनाया है तो उन्हें तुरंत ब्लॉक करो, चाहे वो यहाँ के हों या कहीं के हों। अगर इंसान की तरह कमेंट आएगा तो अच्छी बात है, फालतू वालों को यहाँ से तुरंत हटाओ। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, बना लो जल्दी से। एक चर वाले समीकरण के रूप में वाई बराबर तीन का ज्यामितीय निरूपण हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जल्दी से करो फटाफट आगे चलें। आवाज कुछ गड़बड़ा रही है। पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ? पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवाज सुनाई तो पड़ रही फिलहाल ना, देख लेता हूँ हो सकता है इसमें, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा आवाज में, अब तक तो सही थी। क्या अब आवाज में कुछ बदलाव हुआ? क्यों भाई, हुआ कि नहीं? अर्पित पढ़ाई कर लो बेटा। हाँ आवाज में कुछ बदलाव हुआ क्या? देखो एक से एक मुसीबत आती रहती है यार, थोड़ा बहुत तो आप लोग जाया ना करो, वो सब सही हो जाता है, थोड़ा देर के लिए था ना ऐसा कुछ जो भी था। चलो देखो सेकंड पार्ट की तरफ आगे आ जाओ, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। आवाज सही आ रही, जैसे भी ऐसे पढ़ लो, अगर फालतू परेशान होंगे तो अभी और डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो तो अगला क्या कहता है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो चर वाले के रूप में निरूपण कीजिए। तो दो चर वाले में क्या है भैया, सेकंड पार्ट में हल देखो, हमें वाई बराबर तीन दिया है। पहली बात तो ये बताओ चर का मतलब तो तुम सभी जानते हो ना, हाँ चर का मतलब जानते हो ना। देखो बच्चा जो चर है इसमें वाई बराबर तीन सिर्फ एक है, बोलो है ना, एक चर है ना, इसमें यक्ष तो कहीं है नहीं, यानी एक से अधिक चर तो है नहीं, एक चर है ना। क्या करें ना पढ़ाए फिर, वाई बराबर तीन है। देखो लाइट आ गई, देखते हैं बदलाव हुआ कुछ, ये लाइट की वजह से ऐसा कुछ लफड़ा था का। रुक जाओ थोड़ा सा, बदलाव हुआ कुछ, क्या कमाल है यार, रुक जाओ थोड़ा सा, लाइट आ गई, आवाज सही हो गई। ये इन्वर्टर से भी इसका कोई कनेक्शन है क्या, मुझे लग रहा है। मतलब बिजली चली जाती तभी आवाज गड़गड़ा रही थी, हमें लगता है इन्वर्टर के मशीन से इसका कुछ कनेक्शन है इसलिए रो रहा था। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो जाने दो, लाइट चली गई थी इसलिए गड़गड़ा रहा था। चलो देखो इधर समझो, हाँ वाई बराबर तीन दिया है यहाँ पे, समझो यहाँ पर यक्ष तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर तीन का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो दो चर हम इसको बनाएंगे, हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, जीरो यक्स प्लस वाई बराबर तीन। देखो यक्स हम दूसरा चर मान लेंगे, लेकिन इसके साथ में इंटू जीरो करेंगे, इंटू जीरो इसलिए करेंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि हमें इसका मान जीरो हमेशा आना चाहिए, क्योंकि मेन समीकरण में एक्स नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है, बस ये हाथी का दांत जैसे होता ना बाहर, खाने वाला नहीं है, ये दिखाने के लिए है।
तो इसको इस रूप में रखेंगे कि हाँ मतलब ऐसा ये दिया है, बाकी ऐसा है नहीं रियल में। तो अब समझो क्या होगा, यहाँ से ये कहानी समझो। अगर हमें आलेख खींचना है तो हमें कम से कम दो निर्देशांक मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण करना है तो दो निर्देशांक मालूम होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ से समझो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, y का मान तो तीन है, ये हमेशा तीन ही रहेगा, y का मान नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी रखोगे सब जीरो हो जाएगा, बगल में जीरो है, कुछ भी रख के देख लो सब जीरो हो जाएगा। तो x का मान अगर हम क्या रखें, पहले ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो हमें आलेख बनाने में लंबी दिक्कत होगी, इसलिए हम जीरो रख देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से समझ लो, अगर 0x प्लस वाई बराबर तीन, इसमें x का मान जीरो रखोगे तो 0 × 0 × y बराबर तीन, ये सब जीरो हो जाएगा, कुल मिला करके y का मान तीन आएगा। बोलो सही कह रहा हूँ ना? तो ये इतना हो गया। अब इसी तरह से x का मान वन रख के देख लो, वन रख के देख लो, दो रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो। ध्यान दो इधर साइड में सभी बच्चे, ध्यान दो, वन रख लो x की जगह पे। देखो बच्चा, जीरो का मल्टीपल करोगे बाबू सब जीरो हो जाएगा, ये बार बार यार डिस्कनेक्ट कर रहा, दिमाग खराब कर दे रहा है। तो y का मान तब भी तीन ही आएगा वन रखने पर। अब हमें देखो दो निर्देशांक मिले हैं बेटा, एक जीरो और तीन मिला है और एक वन और थ्री मिला है। इसे हमें क्या करना है, एक समीकरण के रूप में खींचना है। बोलू राज, नरेश कुमार, लोकेश, संतोषी कुमारी, पढ़ाई कर लो पहले ध्यान से, जो समझा रहे हैं उसे समझ लो। इंक्वायरी के लिए नंबर दिया गया ना बच्चा, नंबर दिया गया नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना दिन में। यहाँ पे चुपचाप पढ़ लो और पढ़ने दो, अब ये आलेख बनाओ, चुपचाप पढ़ लो और पढ़ने दो, अब ये आलेख बनाओ, हाँ, जिसे ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ कॉपी हो तुम्हारे पास तो ज़्यादा अच्छा है। देखो समझो, यहाँ पर वन, ये टू, थ्री, फोर तक अधिकतम नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गिनती तीन है, बस तीन से बड़ी तो कुछ है नहीं। समझो, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, तीन और चार। देखो बच्चा क्या करना है, इसमें ग्राफ खींचना बाबू, समझो। जीरो कामा तीन कहाँ पे होगा, जरा ध्यान से देखो, यक्स पर जीरो, वाई पर तीन। तो यक्स पर जीरो प्लस में किधर बढ़ना है, इधर या इधर? भाई अगर जीरो है तो किधर भी नहीं बढ़ना, कहीं नहीं जाना है। वाई पर तीन, वाई पर तीन प्लस में यानी ऊपर, यानी ये यहाँ पे आएगा ये बिंदु, समझ रहे हो? ये बिंदु क्या है, जीरो कामा तीन है, समझते चलो। ये क्या है, जीरो कामा तीन है। आगे देखो, x पर क्या है, वन और y पर तीन। तो x पर वन प्लस में यहाँ आएगा, y पर तीन, यानी ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ, समझ रहे हो कि नहीं? इसका क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा बेटा, वन कामा थ्री, x पर वन और y पर थ्री, यहाँ बन रहा है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा एकदम बिल्कुल सीधा बनेगा। कैसे बनेगा भाई, एक ठी यहाँ बनेगा, एक ठी यहाँ बन रहा है, हाँ, जीरो कामा तीन। तो ये ग्राफ तो ऐसे बनेगा फिर, हमें लग रहा है ऐसे, ये वन कामा तीन है, ऐसे सीधा सीधा बनेगा ना, खींच लो। अर्पित वर्मा को ब्लॉक कर दो भाई एकदम से, इसे ना लायक को, पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं ये सब, इनकी माँ बाप की गलती से यहाँ आके ये परेशान हम लोग को करते हैं। कुलदीप पढ़ाई कर लो बेटा,
पढ़ाई कर लो, सारी इंक्वायरी तुम्हें अभी दे देंगे हम, पहले पढ़ लो। 4.3 है, 4.4 है, 4.4 ना, चलो बन गया। -1.3 लो या फिर 1.3, दो सबका बनेगा वैसे ही, बना लिए ना, इसको सीधा सीधा खींचना। रिया मालवीय आ रहा समझ में? ये सीधा सीधा खींचना, एकदम सीधा पटरी रख के। ये तो मैं वैसे खींचा हूँ हाथ से, इसलिए थोड़ा गचर पचर हो गया है। सीधा सीधा खींचना एकदम, पूरा सीधा, ठीक है? तो मिटाऊं इसको, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.4 में दो ही प्रश्न है, पहला हो गया। यार ये लाइट ना होने की वजह से आवाज गड़गड़ाती है, का इन्वर्टर से इसका क्या कनेक्शन है भाई? मैं फिर एक बार बंद करके देख रहा हूँ। एक बार मैंने उसकी चार्जिंग बंद कर दिया, देखो क्या माइक में फिर से कोई असर आई क्या? मैंने इन्वर्टर की चार्जिंग बंद कर दिया, क्या फिर से आवाज गड़गड़ाने लगी? ये तो एक नई मुसीबत आज से एहसास हो रहा है कि लाइट नहीं रहेगी तो आवाज सही नहीं आएगी। ये कौन सा कनेक्शन है भाई? आवाज सही है ना? लाइट नहीं रहेगी तो आवाज सही नहीं। सही तो आ रही है, पता नहीं क्या इसी मुसीबत आ गई। देखो फिर तुरंत लाइट आई, तुरंत सही हो गई। सही आ रहा ना आवाज? तो अभी तो आ रही है, पता नहीं। चलो छोड़ो, जाने दो, हटाओ। दूसरा क्वेश्चन पे चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? चलो दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x+9=0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसका भी बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा ही है, इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने बच्चे किताब लिए? जिनके पास एनसीईआरटी किताब है वो यस बोले, जिनके पास नहीं है वो नो बोले। जल्दी करो, फटाफट बताओ बच्चा, क्या आप लोग किताब लिए हो? पहला, एक चर वाले, दूसरा, इसको फालतू मिटा दिए, दो चर वाले। भुवनेश्वर किताब कहाँ है? समीकरण के रूप में टू एक्स प्लस 9=0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब देखो समझो, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x+9=0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। देखो समझो, पहला कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में, दूसरा कह रहा है दो चर वाले। तो भैया एक चर वाला तो आसान है, लेकिन दो चर वाला इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना? चलो किताबें खोल लो, हल लिखो। पहला, एक चर वाले के लिए देखो, यहाँ से बेटा यक्स का मान निकालोगे, -9/2 आएगा। क्यों आएगा ना? यक्स का मान निकाल लो, -9/2 आएगा। अब इसे हमें क्या करना है? आलेख खींचना है, आलेख खींचना है। -9/2 को
हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। एक संख्या रेखा खींच लो सीधी सीधी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहना चाहिए मेरे जैसे। कुलबिंदर कौर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुलबिंदर जी। रिया मालवीय, कुछ समझ में आ रहा सबको ना भाई? एक सीधी सीधी लाइन खींचो अच्छी वाली है भाई, सीधा खींचना। चलो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। इधर साइड में वन टू थ्री फोर हम जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उधर कोई मतलब है नहीं। इन सब के नीचे दो लिखो बच्चा, ये हमें क्या करना है, ये इसको दिखाना था माइनस नाइन अपान टू, ये बन गया, यही बनाना था तुम्हें। चाहे तो इधर भी वैसे बना लो, वन अपान टू टू अपान टू ये बना लो, यही बनाना था आपको, यानी आपका पहला हो गया। किसको किसको नहीं समझ में आया बोलो। नो अंश सोनी, हर्ष मिश्रा, अभिषेक कुमार, अरविंद प्रसाद, अनन्या झा और देव मालवीय। बच्चा समझ में आ रहा सबको ना? जिनको ना समझ में आया बता देना कि मुझे नहीं आया। कोई ऐसा खतरनाक शैतान है जिसे ना समझ में आए? हाँ सबको समझ में आ गया ना, लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। दीपेंद्र जी गुड इवनिंग, मधु कुमारी, वर्तिका, अरविंद। अच्छा अधिकांश लोग को नहीं समझ में आया, देखो मैं फिर से बता दूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है। जिनको ना समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, जिनको ना समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, जिनको आया वो यस लिख के समझ में आया तो यस लिखें। ईमानदारी से लिखना, डोंट बेईमानी नहीं। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिनको ना आया फिर से बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, फिर से बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज, सभी कान खोले हो ना, गोबर ओबर कान में भरा हो तो खोद लो, सुनाई पड़ने लगे। हाँ सुनाई पड़ रहा है ना, सुनो। इधर देखो, इधर इधर खोपड़ी इधर करो, एक लपट्टा मारेंगे, इधर देखो समझो। एक्सरसाइज 4.4 है, प्रश्नावली 4.4 है, कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है एक चर वाले और फिर दूसरा दो चर वाले, ये इनके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। कहने का इनका मतलब ये है कि इनका आलेख खींचिए, ठीक है। पहला इस समीकरण जो दिया गया इसका एक चर वाले और दूसरा दो चर वाले। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स, ये मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया हूँ, जैसे एक्स वाई बी सी डी ये सभी क्या चर हैं। वन से लेकर ओ सॉरी ए से लेकर के जेड तक के जितने लेटर हैं वो सभी क्या हैं, चर कहलाते हैं, समझ रहे हो। तो हमने किया क्या इसमें, समझो ये समीकरण दिया, तुम सबको दिख रहा बोलो, हाँ समीकरण दिख रहा ना बच्चा। हमने इसमें से सिर्फ यक्स का मान निकाला है, थोड़ा और तुम्हें डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ जिनको ना समझ में आया। देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से तुम सभी यक्स का मान निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे ना बेटा। देखो 2x = -9, यक्स बराबर -9/2, इतना सबको समझ में आया? हाँ इतना सबको समझ में आया भाई। ये कुलदीप गेमिंग कौन है, ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ ये दो दो लोग क्या कर रहे हो भाई, रवि रविशंकर बिपिन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कमेंट नहीं दिख रहा इन लोग का, परमानेंट हाइड करो, नीचे हाइड यूजर होता है ना, हाइड कर दो एकदम से छुट्टी। तो यक्स का मान मैंने निकाल लिया, अब क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका आलेख बनाना है। तो बेटा ये जो दिया गया था ना, इसी का हमें समीकरण पे दिखाना है, मतलब आलेख खींचना है। अब तुम आलेख तो जानते हो ना, ये चतुर्थांश वाला जानते हो कि नहीं,
बोलो, जानते हो ना, इसमें होता नहीं इधर साइड में वन टू थ्री फोर, ऊपर होता है वन टू थ्री फोर, नीचे होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ना। तो बच्चा देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, ये जो होता है यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष होता है जो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जो होता है वो वाई अक्ष होता है। पहले मुझे ये बताओ तुम, ये यक्ष अक्ष पे प्रदर्शित होगा या वाई अक्ष पे? यक्ष अक्ष पे प्रदर्शित होगा ये, वायु अक्ष पे किस पे होगा भाई? यक्ष का बान मान दिया गया है तो एक्स एक्सिस पे ही दिखाएगा ना ये। तो मैंने क्या किया, यक्ष अक्ष केवल खींचा है बस, इसमें वाई अक्ष मैंने नहीं खींचा है। एक प्रकार का ये चतुर्थांश है, मैं बनाया हूँ आधा आधा चतुर्थांश बनाया हूँ, लेकिन इसके जैसे नहीं बनाया क्योंकि इसमें वाई का कोई मान था नहीं, इसलिए यक्ष वाला केवल बनाया है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, ये इस तरह से मैंने लाइन खींच के फटाफट, और ये देखो जितना यहाँ पे मान आया है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे गिनती लिखना है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम कहोगे कि काहे इसमें एक दो तीन चार पाँच काहे नहीं लिखे, बटा में काहे लिखे हो, क्योंकि हमारा जो यक्ष का मान आया था वो बटे में आया था, इसलिए हमने सारे मान जो है वो बटे में ही लिखा है। समझ में आया ना? तो बस हो गया, हमें माइनस नाइन अपॉन टू दिखाना था, आ गया। समझ में आया? देखो ये माइनस वन अपॉन टू है, ये माइनस टू अपॉन टू है, माइनस थ्री अपॉन टू है, माइनस फोर अपॉन टू है, माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस सिक्स अपॉन टू, माइनस सेवन अपॉन टू, माइनस एट अपॉन टू और माइनस नाइन अपॉन टू, यहाँ मिल गया, दिखा दिया। देखो जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे बाबू उनको दिक्कत होगी। समझ में आया ना? जो पिछली क्लास नहीं देखे उनको दिक्कत होगी, अगर आप शुरू की क्लासे देखे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कि रेगुलर पढ़ो। जो बच्चे पीछे की क्लास नहीं देखे, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है जा करके देख लो, चैनल की प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है जा करके देख लो पीछे की क्लासे, तो तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है कृति दुबे, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तुम्हें सबका कमेंट ही देखना है, बताओ तुम्हें नहीं पढ़ना है? अब तुम ही को ब्लॉक करेंगे, जान लो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू काम ना करो कोई भी। समझ में आया तो अच्छी बात है। देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं, कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 इक्वल 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो क्या करना है समझो, यहां से देखो ये समीकरण दिया है, अब इसमें एक चर है कि दो चर है पहले तो ये बताओ तुम लोग। इस समीकरण में वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, कितना दिख रहा तुम्हें, कितना दिख रहा है? यक्स है, वाई तो है नहीं कहीं, यानी इसमें एक है वेरिएबल है ना। हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें दो वेरिएबल बनाएंगे, तो हमें मालूम तो नहीं है ये वाई इसमें है नहीं, लेकिन हम बनाएंगे। तो ये 2x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 9 इक्वल 0, बोलो बन गया ना, दो वेरिएबल हो गया ना। अब इसका हम समीकरण मतलब खींच सकते हैं, अच्छ बना सकते हैं। ठीक है समझो, एक सारणी इधर साइड बनाएंगे, एक टेबल छोटा सा, ये x है, ये क्या है y है। देखो बच्चा y का मान यहाँ पर क्या आया था, अभी आपने देखा था कितना आया था, y का मान कितना आया था पहले ये बताओ, हर्ष मिश्रा, गीता, जितेंद्र, गोपी चंद, कितना आया था? y का मान यहाँ से निकाल लो, सॉरी x का मान, x का मान जब भी निकालोगे बेटा 9/2 आएगा, माइनस 9/2 आएगा, और ये माइनस 9/2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे तुम y का मान कुछ भी रख दो। तो y का मान मान लो हमने 1 रखा, तो यहाँ पे 1 रखो, y का मान 1 रखोगे तो 0 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल 0। फाइनल में ये 2x प्लस 0 प्लस 9 इक्वल 0, यानी x बराबर माइनस 9/2 आएगा।
कुछ भी रख दोगे वो हमेशा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या आएगा, माइनस का 9/2। यानी हमने जब यक्स का मान माइनस का सॉरी वाई का मान 1 रखा तो यक्स का मान माइनस 9/2 आया। इस तरह से वाई का मान 2 रख के देख लो, वाई का मान जब तुम 2 रखोगे तब भी ये 9/2 ही आएगा। तो ये हमें क्या हुए, अक्षांश प्राप्त हो गए। एक रख के हम दिखा देंगे, उसके आगे आपको करना भी नहीं है, रखना नहीं है। समझ गए ना बच्चा? अब आपको निर्देशांक मिल गए। देखो पहला निर्देशांक मिल रहा बेटा -9/2, 1। दूसरा निर्देशांक मिल रहा -9/2, 2। बोलो बन रहा है ना? अब इसका ग्राफ तो तुम खींच ही सकते हो ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ आशीष यदुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इधर जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा दिया जो लिखा था, इधर जगह नहीं है, थोड़ा मुझे इधर फैलाना है इसको और लंबा। देखो समझो, यक्स पे -9/2 तक लिखना है, ये 1 -1/2। ये ग्राफ बना लो ऐसे बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। सभी बच्चे ऐसे बना लो, ये 2 कर लो इसमें, यक्स वाले में 2 कर लो सब में, क्योंकि हमें जो मान लिखना है वो बटे में ही लिखना है। इधर साइड में क्या करोगे, इधर में चाहे जहाँ तक बनाओ या ना बनाओ कोई मतलब नहीं है, छोटा सा बना ले रहा हूँ क्योंकि प्लस में यक्स का कोई मान इसमें है नहीं। वाई में देखो माइनस में कोई मान नहीं है, फिर भी हम 1-2 तो बना ही लेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको माइनस में और बटे में लिखा है, बाकी सारा मान सीधा फीधा क्यों लिखा है? तो एक काम करो, यक्स वाला सारा मान आप बटे में लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है कि जरूरत क्या है। हमारा जो वाई का मान है वो सीधा फीधा पूर्णांक में है 1, 2, 3, 4, लेकिन जो यक्स का मान है वो बटे में है, तो हम इस पे संख्या रेखा पर जिस रूप में हमें मान दिया उसी रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, इधर साइड के लिए 1 यहाँ रहेगा, इधर वाला 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, ऐसे बटे में रहेगा। अब देखो समझो, पहला निर्देशांक है -9/2 और वाई पर 1, तो जरा ध्यान दो, वाई पर 1 और यक्स पर -9/2 यहाँ पर है, और वाई पर 1 का मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ कहीं है, यहाँ है, ध्यान देना, जहाँ ये काला कर रहा हूँ ये है -9/2, 1, ध्यान देना। दूसरा निर्देशांक क्या है, -9/2 और वाई पर 2, वाई पर 2 का मतलब इसके और ऊपर जाएगा। अब हमें ये कहानी यहाँ से हटानी पड़ेगी। देखो समझते चलो, वैसे हमारा काम हो गया था, इसको अब दोबारा लिखना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा निर्देशांक क्या था, दूसरा निर्देशांक क्या था, -9/2 था और y पर कितना था, 2 था ना, तो भैया ये तो यहीं रहेगा इसी के ऊपर, y पर 2 था यानी एक पॉइंट और ऊपर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ है तो ये यहाँ हो जाएगा बेटा, तो ये -9/2, 2 हो जाएगा। यानी एक निर्देशांक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो जो हमारा समीकरण बनेगा, जो हमारा इस पे आलेख बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। क्या बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, ऐसे इसको साइड में लिखो जिससे खींचते बने ये, हाँ इसको साइड में लिखो, ये ऐसे सीधा सीधा एकदम खींचेगा, एकदम सीधा समीकरण खींचेगा ये, एकदम सीधा ऐसे आलेख होगा, बस हो गया। सबको समझ में आया ना? हाँ यहाँ से काट दो, कोई मतलब नहीं।
आया समझ में? तो ये हो गया आपका, सेकंड भी हो गया। अच्छा, इसमें से कितने हैं जिनको नहीं समझ में आया, वो बोले नो, ईमानदारी से यन ओ नो जल्दी बोलो। जिनको ना समझ में आया वो यन ओ नो लिख के कमेंट करेगा। देखो बेटा, ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अंश सोनी जैसे नालायक अगर कहीं जुड़े हुए हैं तो इनको कोई नहीं पढ़ा सकता। बेटा तुम्हें पीडीएफ नहीं मिलेगा, तुम कहीं और देखो। हाँ, ये हरामखोर मैं देख रहा हूँ, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब से ये के कमेंट कर रहा है। पीडीएफ कब मिलेगा। बाकी दूसरा कमेंट ये किया ही नहीं, पूरा क्लास ख़त्म हो गई एक घंटे, ये क्या पढ़ेंगे बताओ बेवकूफ गधे। जो पढ़ाया जा रहा पहले वो तो देख लेना भाई। हाँ, मिलेगा तो सबको मिलेगा, तुम्हें अकेले मिलेगा नहीं, काहे परेशान हो। और भी तो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं सैकड़ों, ना तुम भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा तो ये भी हाथ से गया, और जिसके लिए तुम कमेंट कर रहे हो वो तो तुम्हें मिला नहीं वैसे भी। इसमें से अधिकांश ऐसे भी हैं जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखा है, उनको समझ में तो नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। हाँ देखो, समझ में तब आएगा बच्चा जब आप इसका पीछे वाला पार्ट पढ़े हो, क्योंकि उसमें बताया गया था चतुर्थांश क्या होता है, उसका आलेख कैसे खींचते हैं, ये सारी कहानी तुम्हें पढ़ाई गई थी। इसके पीछे का अगर तुम पढ़े हो नहीं, हाँ इसके पीछे का तुम पढ़े हो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बात ये है। तो अब अगर सोच रहे हो कि मैं इसका फिर से तुम्हें अभी मतलब लिंक उंक दे दूंगा कुछ, या फिर से पढ़ाऊंगा, तब मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो चैप्टर 4 जो ये चल रहा है ना, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें मैं दे रहा हूँ। चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट में दे रहा हूँ। जो बच्चे इसके पीछे का नहीं पढ़े हैं, देखना चाहते हैं, वो जा करके पूरा चैप्टर 4 शुरू से पढ़ लें। देखो मैं लिंक कॉपी कर दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देखो अगर ध्यान से, तुम्हें चैप्टर 4 का लिंक है ये। प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई है, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग है। किसी को और कुछ कहना है तो बताओ। वेदांग त्रिपाठी बताइए, देखो बेटा, लिंक जो है चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट की मैं कॉपी कर दिया हूँ कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके जाके चैप्टर 4 पढ़ लो। चैप्टर 3, चैप्टर 2, वो उसकी भी प्लेलिस्ट है पूरा पूरा चैनल पे, देख लो जाके, ठीक है? उसकी भी प्लेलिस्ट है पूरा पूरा चैनल। वर्तिका बोल रही, 9th साइंस का क्लास 3 o'clock में मैथ करिए। वर्तिका जी देखिए, हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो कई हैं, अकेले तो हैं नहीं आप, तो बहुत सारे बच्चों के सुझाव आते हैं, तो टाइम हमेशा नहीं बदला जा सकता है, ठीक है? वर्तिका श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि ये क्लास का टाइम हर समय नहीं बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज आपका मूड बदल गया हम बदल दें, कल बदल दें, परसों बदल दें, क्योंकि हमारे टाइम बदलने से हजारों बच्चों का टाइम गड़बड़ हो जाता है, और बच्चों को टाइम पता लगने में महीनों लग जाता है, तो हम टाइम अभी नहीं बदल सकते हैं। हाँ, भविष्य में हम फिर से कभी पोलिंग करवाएंगे कि टाइम बदला जाए, जैसे मौसम चेंज होगा, अभी ठंडी आएगी तो ठंडी में हो सकता है टाइम बदला जाए, बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं बदल सकता है। तो जो बच्चे बेटा देखो नहीं देख सकते हो, जो टाइम पे क्लास होती है वो क्लास कहीं जाती नहीं है, आप सभी PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें सारी लिंक भेजी गई रहती है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे सारी लिंक भेजी जाती है रोज। मान लो कि शाम 3 बजे तुम नहीं खाली हो, तो तुम शाम को कभी तो खाली होगे 10 बजे रात में, उसकी लिंक रहेगी तुम्हारे पास, उस पर क्लिक करो, वीडियो चलेगा फर्स्ट क्लास, पढ़ो जाके प्यार से, मोछ हट के, समझ रहे हो ना?
और फिर अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट वहाँ पे ऑप्शन रहता करने का, कमेंट करो, कमेंट करोगे रिप्लाई मिलेगा, बताया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका है। बाकी हाँ ये होगा कि तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं बोला जाएगा, कहोगे तो देखो यार काम अच्छा करोगे तो नाम तो खुद ही होगा, काम अच्छा करोगे खुद ही नाम होगा। साइंस का क्लास शाम 3 बजे से है टाइम, लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं इस समय, इसलिए 3 बजे कई दिन क्लास नहीं हो पाती है। तो मंडे से रेगुलर चलेगी, हमारी कोशिश है कल भी चल सकती है, लेकिन हम मंडे से बता दिए सभी बच्चों को ग्रुप में, तो मंडे से ही चलेगा। बहुत साइंस बहुत कुछ नहीं है, जहाँ एक बार स्पीड बनी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अंश सोनी अब तुम्हारे खोपड़ी में चुभ रहे हो, अंश सोनी अब मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें ब्लॉक कर दें एकदम से, अंश सोनी समझ रहे हो ना। देखो दिमाग तुम्हारा मतलब क्या बताएं, गोबर तो भरा है नहीं, हाँ वो इंसान ही दाना खाते हो ना, अन्न जिसे बोलते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि अगर जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसे पहले सुनना चाहिए, डंडा नहीं करना चाहिए किसी को, समझ रहे हो। नंबर भी दिया गया है तुम्हारे जैसे लोगों को, इसलिए नंबर पे ब्लॉक किया जाता है कि वो 5 बार फ़ोन करेंगे, एक बार फ़ोन करेंगे हाँ सर साइंस का क्लास कब चलता है, उन्हें बताया जाएगा बेटा 3 बजे चलता है, वो 2 मिनट बाद फिर करेगा, हाँ सर 3 ही बजे बताए थे ना आप, तब उनको दोबारा गाली देंगे क्या करेंगे बताओ, क्योंकि तुम अकेले तो हो नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ हजारों बच्चों का कमेंट आता है, हाँ दिन भर में हजारों कॉल आती है, हम खुद उठाते हैं परेशान हो जाते हैं, और भी हमारे साथी वो लोग उठाते हैं, अगर तुम मतलब का क्वेश्चन करो तो अच्छा लगता है, बताता भी इंसान, लेकिन तुम एक के बात के लिए अगर 3 बार फ़ोन करोगे तुम्हें क्या करेगा अगला बताओ, तो यही सब मुसीबतें हैं, क्या करें। तो बंद किया जाए ना, फिर कहानी ख़त्म हो गई, आज की क्लास ख़त्म हो गई। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मज़े ले रहे हो कमेंट में, हाँ चलो ठीक है। जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, देखो लाइक कर दो, क्लास आप ही के लिए चलती है, सारी मेहनत हम आप ही लोग के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके चलो तो अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। एक घर संभालना इतनी मुश्किल की बात होती है, यहाँ तो 3 लाख बच्चे को संभालना होता है, अलग अलग क्लास के अलग अलग कोर्स के बच्चे होते हैं, उनका फ़ोन कॉल, उनका कमेंट, उनका व्हाट्सअप रिप्लाई, सब कुछ हमें करना पड़ता है ना। हमारे टीम में ज़्यादा लोग हैं नहीं, 4 ही 5 लोग हैं, हाँ वो भी सब नहीं रहते हैं, मुश्किल से 2 ही 3 लोग रोज़ रहते हैं, तो हमें तो हर तरह के लोगों को देखना है, उसी में कौनों गाली भी दे रहा है उसको भी समझना है, समझ रहे हो ना। वैसे अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले कभी गाली नहीं देते हैं, जो थोड़ा नालायक टाइप के होते हैं उनको पढ़ना होता नहीं है, वही ये सब करते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन होता हमारे पास में, समझ रहे हो ना। चलो फिर बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।